हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। और ये दीपावली जो है आपके जीवन में नई मतलब ऊंचाई आप लोगों को प्रदान करे, नई रोशनी प्रदान करे मेरे दोस्त। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, सब लोग अपनी मंजिल को पाएं, सब लोग अपने सपनों को साकार करें। तो एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को हृदय से बच्चे दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जल्दी से एक बार जुड़ेंगे आज हम लोगों की, चाहे YouTube की कह लो, चाहे बैच की कह लो, यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सिलेबस के हिसाब से ये आखिरी क्लास है। तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और फिर हम फाइनल टच देने के मूड में हैं, यानी आज हम फाइनल टच दे रहे होंगे अपनी तैयारी को। और परसों से एग्ज़ाम स्टार्ट है, फिर हम लोग जो बात करेंगे वो एग्ज़ाम पर बात करेंगे, यानी कि एग्ज़ाम की तीनों शिफ्टों का एनालिसिस जब तक भी पॉसिबल होता है तब तक। और शाम को 9 बजे, मतलब रात में 9 बजे, पूरे दिन में कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं उसी हिसाब का मॉक टेस्ट जो है वो हम लोग डिजाइन कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए हर कोई तैयार है। पेपर का वेट जैसे आप लोग कर रहे हैं वैसे ही हम लोग पेपर का वेट कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को चिंता है पेपर की, वैसे ही हम लोगों को चिंता है। लेकिन दोस्त, यकीन मान के चलना, मेहनत हमने भी की है, मेहनत आपने भी की है, और जब दोनों मेहनत मिलेगी तो दोस्त सिलेक्शन होगा ही होगा। तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, फ्री हो गए हैं क्या? फ्री हो गए हैं या अभी भी पूजा पाठ बची हुई है? क्योंकि आज के दिन तो वैसे भी पूजा का काम थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। चलिए, होली दिवाली जो है ये बाद के हैं त्योहार, मनाने तो खैर चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हुआ है तो होली दिवाली भी कुछ नहीं है दोस्त। त्योहार, हर एक त्योहार को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन त्योहार से अलग भी समय हम लोगों का होता है, उसका यूटिलाइज हमें एक बेहतरीन तरीके से करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर हम लोग बाकी समय को वेस्ट कर रहे हैं और त्योहार पे आके हम लोग ऐसे करके दिखा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं, घर वालों को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो गलत है ना। तो होली दिवाली त्योहार जो है वो सबके लिए है, चाहे वो रोजगार हो चाहे वो बेरोजगार हो बच्चे, वो सबके लिए है। बाकी जो बेरोजगार हैं अभी, जिन्हें नौकरी की तलाश है, वो बाकी टाइम का एक बेहतरीन यूटिलाइज करेंगे, मैक्सिमम आउटपुट वहां से निकालेंगे। तो दोस्त यकीन मानिए, इन त्योहारों पे जो आप लोगों का टाइम जाएगा उसका बिल्कुल भी आप लोगों को दुख नहीं होगा। चलिए, खैर बातें तो होती रहेंगी मेरे दोस्त। आज मैं एक ऐसे चैप्टर को, हाँ, रीजनिंग की मैराथन आज ही है, 11 बजे रीजनिंग की मैराथन है, आज एक ऐसे चैप्टर को आप लोगों के सामने लेके आया हूं मेरे दोस्त, जिससे आप लोगों को डर लगता है मेरे दोस्त। और कोशिश करेंगे कि मतलब हर एक टाइप का रिकॉल करा पाऊं, लेकिन मेरे दोस्त आप भी जानते हैं टॉपिक अपने आप में बड़ा होता है, एक ही दिन में कराना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन काफी हद तक मैं आप लोगों को चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, समझाएंगे नई चीजों को, प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा, चीजों को रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ, हम लोग तैयार हैं, दिवाली का काम खत्म कर चुके हैं, अब 3-4 घंटे हम लोगों को पढ़ना है। मतलब मेरी क्लास तो खैर 2-3 घंटे की है, 2-2.5 घंटे या 3 घंटे की, फिर उसके बाद रीजनिंग की क्लास आप लोगों की स्टार्ट होगी, राहुल शर्मा सर ले रहे होंगे। दोस्त, अगर रिकॉल करना चाहते हो, दिल्ली पुलिस वाले कॉन्स्टेबल वाले बच्चे भी अगर रीजनिंग को रिकॉल करना चाहते हो, एग्जाम बहुत बाद में है, अगर एग्जाम 20 तारीख तक है तो आपको रिकॉल करने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि आपकी रीजनिंग की मैराथन ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन अगर एग्जाम 20 के बाद है और आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप भी वो क्लास ले सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, साइंस की पीडीएफ मिल जाएगी सुबह सुबह ही साइंस की पीडीएफ का जिक्र हो चुका था मेरे दोस्त। तो आप सभी को आरडब्ल्यूए टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है दोस्त। ऊपर वाली लाइन जो लिखी हुई है केवल आप लोगों के लिए लिखी हुई है, इस
उत्सव के मौके पर आप सभी छात्रों को नई ऊंचाइयां और सफलता की पथ पर अग्रसर करने का संकल्प करने का समय है। इस दीपावली अपनी पढ़ाई में रोंगट भरे, नए दृष्टिकोण बनाएं और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध रहे। तो शुभ दीपावली। ये जो था आज का बच्चे, चलो कोट था, कोट ही मान सकते हैं, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं दोस्त। चलिए अब शुरू जो करने जा रहे हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करने जा रहे हैं मेरे दोस्त। और टाइम एंड डिस्टेंस में अगर फॉर्मूले की बात करता हूं, 5 मिनट में फॉर्मूले पे बात करता हूं, फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि चाल क्या होती है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे चाल जो होती है वो दूरी बटे समय होती है। ये चीज हर एक बच्चा जानता है। हर एक बच्चा इस बात को भी जानता होगा कि अगर चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है तो उसे 5/18 से गुणा कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर कोई चाल मीटर पर सेकेंड में दी हुई है तो उसे 18/5 से गुणा कर देंगे तो वो किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगी। एक चीज आप लोगों को और बताई होगी मेरे साथी कि अगर दूरी कांस्टेंट रहती है, दूरी समान रहती है, दूरी समान रहती है तो जो चाल का अनुपात होता है उसी का उल्टा समय का अनुपात होता है, या फिर जो समय का अनुपात होता है उसी का उल्टा चाल का अनुपात होता है। दोनों में प्रतिलोम का रिलेशन होता है, ठीक है भाई। लेकिन अगर समय बराबर है, अगर समय बराबर है, उसने कह दिया कि समय बराबर दिया हुआ है, कहा भी नहीं है तो क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि समय बराबर दिया हुआ है, तो मेरे दोस्त आप लोग कहेंगे कि जो चाल का अनुपात होगा वही आप लोगों का दूरी का अनुपात हो जाएगा, ठीक है भाई। मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई। तो ये दो चीजें थी मेरे दोस्त, चाल और समय में रिलेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, और चाल और डिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। ठीक है भाई, ठीक है। जेब में पैसा आप लोगों से बातें कितनी भी बनवा लो, है ना, रुपया हो तो होली दिवाली होती है हर दिन। बिल्कुल सहमत हूं आप लोगों की बात से, ठीक है। हाँ चलिए अब देखिए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया होगा, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है और पूरी यात्रा का समय आप लोगों को दिया होता है, तो उस केस में एक तरफ की दूरी कैसे निकालते हैं या आधी दूरी कैसे निकालते हैं, वो पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का योग इनटू कुल समय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त अगर समय में अंतर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 मिनट लेट या 15 मिनट पहले या आधा घंटा लेट या आधा घंटा पहले, ऐसी कोई लाइन आप लोगों को क्वेश्चन में लिखी दिखाई दे रही है, तो उस केस में आप लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे मेरे साथी, आप कहेंगे दोनों चालों की गुणा अपॉन दोनों चालों का डिफरेंस इंटू समय में अंतर हम लोग यहां ले रहे होंगे। तो ये दो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए भी थे। एक और रिलेशन आप लोगों को मैंने बताया था मेरे दोस्त कि जब भी आप लोगों के दो वस्तु के मिलने के बाद का समय दिया हुआ हो, मान लो ए वस्तु यहां से चलती है, बी वस्तु यहां से चलती है, ये सी पॉइंट पर कहीं जाके मिलती हैं, तो जिस पॉइंट पर ये मिली हैं वहां से उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का समय अगर आप लोगों को दिया हुआ है, तो एक रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया होगा कि इन दोनों की चाल का जो रेशो होता है वो टाइम के रेशो के इनवर्स के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ये रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन मेरे दोस्त मैंने ये भी बताया था कि ये लगेगा कब, ये लगेगा मेरे दोस्त तब जब मिलने के बाद का समय आप लोगों को दिया होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। एक मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था मेरे दोस्त रिलेटिव स्पीड, जो वहां पे लगती थी जहां क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एक से ज्यादा वस्तुएं चलती हुई नजर आ रही हैं। एक से ज्यादा वस्तुएं कैसे मेरे दोस्त, एक से ज्यादा वस्तुएं ऐसे कि चोर ने चोरी की और भागना स्टार्ट कर दिया तो उसके पीछे पुलिस जो है उसका पीछा कर रही है, तो एक से ज्यादा वस्तुएं, दो वस्तुएं चल रही हैं, या फिर बिल्ली आगे आगे है, कुत्ता उसका पीछा कर रहा है, तो मेरे दोस्त कुत्ते और बिल्ली दोनों भाग रहे हैं तो वहां भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर एक ट्रेन दूसरी तरफ से आ रही है, एक ट्रेन इस तरफ से जा रही है, तो यहां भी दोनों वस्तुएं चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड का
कॉन्सेप्ट लगेगा, वो रिलेटिव स्पीड आपकी सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है, वो रिलेटिव स्पीड आपकी अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। पुलिस चोर का क्वेश्चन हमेशा रिलेटिव स्पीड का बनता है, ठीक है। चलिए लास्ट मोमेंट पे जिनका एग्जाम जो है वो 20 तारीख तक, मैं फिर से बता रहा हूं, जिनका एग्जाम जो है वो 20 तारीख तक है वो बस इसी क्लास को करिएगा और मॉक लगाइएगा। जिनका एग्जाम 20 के बाद है वो बच्चे कुछ पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए पर मॉक जरूर लगाइए। और मेरा मानना ये है इंडिविजुअल, मैं आपकी जगह होता तो क्या कर रहा होता, मैं ये कर रहा होता कि लास्ट मोमेंट पे मैथ और रीजनिंग के केवल और केवल इंडिविजुअल मॉक लगाता, बाकी मैथ और रीजनिंग को पढ़ने का समय जा चुका है। अब आपका रिवीजन का समय है, जीएस पार्ट जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, चाहे वो नवीन सर के प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो किसी और के प्रैक्टिस सेट हो, या चाहे वो आपने कहीं से थ्योरी पढ़ी हो, उसको रिकॉल करने का समय है मेरे दोस्त। टोटल का टोटल ध्यान जो है वो रिवीजन पे दीजिए, जीके और कंप्यूटर के रिवीजन पे दीजिए, है ना। बस 2 घंटे जो है, 1 घंटे में 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए मैथ के, और 1 घंटे में 2 मॉक टेस्ट लगाइए दोस्त रीजनिंग के। बस इतना समय आप लोगों को देना है मैथ और रीजनिंग को, है ना। चलिए हाँ, अब देखिए मेरे दोस्त, अगर रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करता हूं कि दो वस्तु एक ही दिशा में चल रही है और एक की चाल S1 है और दूसरे की चाल S2 है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष दोनों की चालों का अंतर ही क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि दो वस्तु विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक की चाल S1 है, एक की चाल S2 है, तो दोनों की चालों का योग ही क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल हो जाएगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आप लोगों को रिकॉल कराने की कोशिश करी, और यकीन मानिए कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी शिफ्टें जो है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से कवर हो जाएंगी, बहुत सारी शिफ्टें जो है वो मेरे दोस्त बहुत सारी चीजें जो है वो इन्हीं से कवर हो जाएंगी, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ गुरुजी मैथ में 12 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, 12 बढ़िया स्कोर है, 12 बढ़िया स्कोर है, चलिए वो मेन एग्जाम में बढ़ जाएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहला क्वेश्चन ये मत कहना वो ये करा रहे हो वो करा रहे हो, जस्ट मैं एक बार रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं सारे कॉन्सेप्ट को, अंतिम दिन कैसे रिकॉल करना है, बस उसी तरीके से मैंने ये क्लास जो है वो डिजाइन की है ना। देख रहे हैं एक बार क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कोई कार है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चल रही है, इसे 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, वो जस्ट आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो ये बेटा मिनट नहीं है, ये मिनट है आप लोगों का, यानी वो आपसे समय पूछना चाह रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है मेरे दोस्त 35, दूरी कितनी है 140 किलोमीटर प्रति घंटा, यूनिट जरूर लिखिएगा, वहीं से कन्वर्जन जो है आपको समझ में आएगा। और चाल कितनी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका प्रति घंटा जो होगा वो ऊपर जाएगा, प्रति घंटा हो गया मेरे दोस्त। अगर यहां से मैं देखूं तो यहां से 4 घंटे का समय आप लोगों के सामने आ गया, लेकिन मेरे साथ ही आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन जो है वो घंटे में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन जो है वो मिनट में दिया हुआ है। तो मिनट में दिया हुआ है तो इस घंटे को मिनट में बनाना पड़ेगा। क्या इस घंटे की जगह आप 60 मिनट लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक घंटे में 60 ही मिनट होती हैं। यानी यहां से जो समय आ जाएगा मेरे दोस्त वो कितना आ जाएगा मेरे साथी, तो आप कहेंगे 240 मिनट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहना चाहता है मेरे दोस्त कि स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी वो अगर बिना रुके चलती है, स्टॉपेज नहीं होंगे तो बिना रुके चलेगी, और बिना रुके जो है वो बस की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है।
लेकिन अगर रुक रुक के बात करूं तो रुक रुक के उसकी गति आ रही है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से केवल एक सवाल आप लोगों के लिए बन सकता है कि वो बस जो है या वो वस्तु जो है वो प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेरे दोस्त ऐसे केस में आप लोग क्या कहेंगे, बिना रुके चाल में से रुक रुक कर वाली चाल को घटा देंगे, बिना रुके चाल में से रुक रुक कर वाली चाल को घटा देंगे और बिना रुके से चाल से डिवाइड कर देंगे। तो ये वो समय आ जाएगा जो एक घंटे में कोई भी वस्तु जो है वो रुकती होगी। यानी अगर यहां से देखूं तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा बिना रुके चाल है और रुक रुक कर चाल उसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और बटे में कितना आएगा बिना रुके, तो ये वो समय आ जाएगा जो प्रति घंटे रुकने का समय है। तो आप देखेंगे 60 में से 48 गया 12 बचेगा और 12 बटे 60 का मतलब 1/5 होता है। याद रखना अगर ऑप्शन में घंटे दिया हुआ है तो इसका जवाब 1/5 घंटे होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में मिनट दिया हुआ है बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है यानी वो आंसर मिनट में चाहता है, तो इस घंटे की जगह आपको क्या लिखना होगा मेरे दोस्त, घंटे की जगह आप लोगों को 60 मिनट लिखना होगा। अब 60 मिनट लिखना होगा तो मेरे दोस्त आंसर क्या आ जाएगा, यानी एक घंटे में वो रुकने वाली जो वस्तु है वो 12 मिनट रुकती है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहना चाह रहा है, फटाफट बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहना चाह रहा है। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। भाई क्या कहना चाह रहा है कि 245 किलोमीटर की दूरी, 245 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय की, तो आप कहेंगे 7 घंटे में तय की है। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल से 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, इसको इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल से 3/7 चाल से चलाए, तो पहले तो मुझे स्कूटर की चाल पता होनी चाहिए तभी मैं उस इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल निकाल पाऊंगा। यानी कि स्कूटर की चाल निकालने के लिए स्कूटर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 245 किलोमीटर है और कितने घंटे में तय की जा रही है, 7 घंटे में तय की जा रही है। तो यानी यहां से जो स्कूटर की चाल आएगी वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, आएगी या नहीं। उसने कहा है यदि इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल से 3/7 चाल से चलाया जाए, यानी अगर मैं इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल आप लोगों से पूछता हूं तो वो इसके 3/7 चाल से चल रही है, स्कूटर की चाल के 3/7 चाल से चल रही है, यानी इलेक्ट्रिक साइकिल जो है वो 15 किलोमीटर एक घंटे में जाती है, ये चाल आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी वो आप लोगों से दूरी पूछना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक साइकिल ने कितनी दूरी तय करेगी 4 घंटे में। तो दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय होता है। तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल कितनी दी हुई है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या है, 4 घंटे है, यानी वो 4 घंटे में कितना चली जाएगी, तो आपका जवाब होगा वो 60 किलोमीटर चली जाएगी। कितना किलोमीटर चली जाएगी, तो आप लोगों का जवाब होगा वो 60 किलोमीटर चली जाएगी। ठीक है भाई, बढ़े आगे, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 4, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन। क्वेश्चन को देख के आपको सीखना है, आपको चीजें रिकॉल करनी है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसका करने का तरीका जो रहेगा वो ये रहेगा। और ये क्वेश्चन आपका छोटा एग्जाम हो, क्वेश्चन आपका बड़ा एग्जाम हो, कुछ शिफ्टों में जरूर 100% पूछने को मिलेगा, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे साथी कि एक विद्यार्थी है जो 30 किलोमीटर की दूरी और अंशत पैदल चाल, पैदल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष जो है वो साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 3 घंटे में तय करता है, तो पैदल तथा साइकिल द्वारा चली गई दूरी का अनुपात क्या होगा। दिमाग में एक चीज रिकॉल करना, चाहे आप परिणाम बैच के हैं चाहे आप परिश्रम 2.0 के हैं, मैंने एक चीज आप लोगों को बताई होगी, जब भी टोटल दूरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, कुछ दूरी जो है वो पैदल चलकर तय की जाए और शेष दूरी जो है वो अन्य वाहन से तय की जाए, तो आप लोग वहां एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। आप लोग स्पीड पे एलिगेशन लगा सकते हैं। अगर स्पीड पे एलिगेशन लगाओगे तो मेरे दोस्त टाइम का रेशो निकल के आएगा, इस चीज को दिमाग में सेट कर लेना। तो अगर मैं बात करता हूं कि वो व्यक्ति जो है पूरी दूरी किस तरीके से तय करता है, तो कुछ दूरी तो पैदल चलता है और शेष दूरी में वो साइकिल का यूज करता है, तो पैदल में उसकी चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से उसकी चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों को मिला के उसने टोटल दूरी जो है वो किस चाल से तय की है, तो टोटल दूरी है बेटा 30 किलोमीटर, टोटल दूरी है 30 किलोमीटर और टोटल जो समय लगा है वो 3 घंटे का लगा है, यानी कि टोटल यात्रा में जो चाल रही होगी वो दूरी बटे समय यानी 30/3 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, यानी इन दोनों को मिला के टोटल जो चाल रही होगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। अब आप लोग यहां से एलिगेशन लगाइए, आपने कहा 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, आपने कहा 12 में से 10 गया तो 2 बचेगा, यहां ये जो रेशियो आता है बच्चा, इसी में कंफ्यूज मत हो जाना, एक 3 ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो 30% 40% लोग एक 3 जवाब दे रहे होते, एक 3 जवाब नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में भी आना शुरू हो गया है मेरे दोस्त। जब भी आप लोग चाल पर एलिगेशन लगाते हैं, जब भी आप लोग स्पीड पर एलिगेशन लगाते हैं, तो हमेशा जो रेशियो निकल के आता है वो समय का रेशियो निकल के आता है। अगर क्वेश्चन ने समय का रेशो पूछा होता तो आपका जवाब 1:3 होता, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है मेरे दोस्त दूरी का रेशो आप लोगों से पूछा है, तो दूरी आप लोगों को निकालनी होगी। अगर मेरे हिसाब से वो 1 घंटा पैदल चला है, साइकिल से 3 घंटे चला है, तो क्या टोटल 4 घंटे चला है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है टोटल दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो 4 की वैल्यू 3 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो यहां जो समय लग रहा होगा वो 3/4 घंटे लग रहे होंगे और यहां जो समय लग रहा होगा वो 9/4 घंटे लग रहे होंगे, क्या कोई दिक्कत है, एग्जैक्ट समय आप लोगों के पास आ चुका है, कोई दिक्कत। अगर मेरे दोस्त ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है तो इतने घंटे में कितना गया होगा, क्या चाल की गुणा समय में कर दोगे तो दूरी आ जाएगी, दोनों की गुणा करिए मेरे दोस्त, तो यहां जो उसने दूरी तय की होगी 3 किलोमीटर की तय की होगी, यहां इस चाल की गुणा अगर मैं इस समय में कर दूं तो 4 × 12 और 3 की गुणा 9 में करेंगे तो इसके द्वारा तय की गई दूरी 27 किलोमीटर की होगी, इसके द्वारा तय की गई दूरी जो है वो 27 किलोमीटर की होगी। मेरे दोस्त दूरी का ही रेशियो पूछा है तो जवाब क्या हो जाएगा, 1:9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1:9 जो है वो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चे मैं आप लोगों से कहूं बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, सबसे ज्यादा दुख तब होगा जब क्वेश्चन आते हुए आप लोग सिली मिस्टेक के चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर देंगे, क्वेश्चन आता ही नहीं है तो उसका दुख इतना नहीं होगा कि भाई मुझसे आता ही नहीं था। मान लो आप लोगों का सीआई जो है वो वीक है, सीआई आपसे आता ही नहीं है और सीआई का क्वेश्चन अगर आपसे छूट रहा है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है भाई,
आता ही नहीं था तो होता कैसे। लेकिन अगर आपकी प्रॉफिट लॉस पे अच्छी कमांड है और आपने लास्ट तक आंसर निकाल दिया है और एक सिली मिस्टेक की वजह से आप अपना एक नंबर जो है वो गवा चुके हो, तो मेरे दोस्त ये आपको बहुत पीछे ले जाके फेंक देगा। तो सबसे ज्यादा जो काम करना है वो अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है, पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। दो क्वेश्चन कम सॉल्व हो लेकिन जितने क्वेश्चन हो उनमें एक्यूरेसी आप लोगों की दिखनी चाहिए, ठीक है, ये सफलता का मूल मंत्र है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं दिखी और आपने दो क्वेश्चन फालतू कर दिए तो मेरे दोस्त वो कब बाहर का रास्ता दिखा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना है, पेशेंस के साथ जो है वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ मैं समझा देता हूं, समझ में कैसे नहीं आया है मैं समझा देता हूं मेरे दोस्त। जब भी आप लोगों को टोटल दूरी दो अलग अलग पार्ट में तय करने के लिए बोले तो आप लोग हमेशा क्या लगाना, एलिगेशन लगाना। एलिगेशन लगाना बच्चा किस पे, स्पीड पे एलिगेशन लगाना। देखना थोड़ा सा ध्यान से क्या कह रहा है। अगर पहले वो पैदल चलकर तय करता है, दूसरी दूरी वो साइकिल से तय करता है, तो पैदल से उसकी चाल दी हुई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से उसकी चाल दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को मिला के मेरे दोस्त आपकी टोटल चाल यहां लिखनी पड़ेगी। टोटल चाल जो होती है, कुल चाल जो होती है वो टोटल दूरी बटे टोटल समय होती है। तो 30 में 3 का डिवाइड करेंगे तो पूरी यात्रा के लिए उसकी चाल 10 आ जाएगी। अब यहां से 10 में से 4 घटाइए 6 आएगा और यहां से मेरे दोस्त 12 में से 10 घटाइए तो 2 आएगा। अगर उसने चाल का रेशियो पूछा होता तो कुछ करने की ही जरूरत नहीं थी, चाल समय का रेशियो जो है वो 1:3 आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त उसने दूरी का रेशियो पूछा है, तो अगर मेरे हिसाब से टोटल समय 4 यूनिट लग रहा है लेकिन क्वेश्चन ने 3 घंटे बोला है तो 4 यूनिट की वैल्यू 3 घंटे हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/4 घंटे हो जाएगी। तो 1 = 3/4 हो गया और 3 = जो है वो 9/4 हो गया। तो इस चाल की गुणा इस समय में कर दीजिए, यहां वाली दूरी निकल के आ जाएगी। इस चाल की गुणा इस समय में कर दीजिए, यहां वाली दूरी निकल के आ जाएगी। और दोनों का रेशियो निकालोगे तो जवाब कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1:9 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब देने की कोशिश करिए। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, कोई अदर मेथड नहीं है भाई, फरमाइश पूरी नहीं होगी, जो बेस्ट मेथड है उससे आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, फरमाइश पूरी करने का टाइम जा चुका है ना। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय की है, ठीक है, उसने कुछ दूरी पैदल चाल से चलकर और शेष दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय की है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, पैदल तय की गई दूरी, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है बच्चे, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है कि जो पैदल चला है वो कितनी दूरी तय की है। बड़ा आसान है, बता के आया हूं कैसे कैसे चल रहा है एक बार मुझे बता दीजिए। कुछ दूरी तो वो पैदल चाल से चल रहा है और कुछ दूरी जो है वो किससे जा रहा है मेरे दोस्त, साइकिल से जा रहा है। पैदल चाल से उसकी दूरी कितनी है, पैदल चाल से उसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और अगर मैं साइकिल से पूछूं आप लोगों की तो साइकिल से क्या चाल दी हुई है, तो आप कहेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा और पूरी यात्रा की क्या चाल दी हुई है वो आप लोगों को निकालनी होगी। जब आप पूरी यात्रा की चाल निकालते हो तो टोटल दूरी को टोटल समय से डिवाइड कर देते हो, 4 घंटे से डिवाइड कर दोगे, 2 से काटोगे 27 बार कटेगा, 2 से काटोगे 2 बार कटेगा। तो मेरे दोस्त यहां जो चाल आएगी वो 27/2 आ जाएगी। अब इस 2 को हटाना है ना, तो 2 की गुणा यहां कर दो, 2 की गुणा यहां कर दो और 2 की गुणा यहां कर दो। जब आप 2 की गुणा हर जगह करोगे तो ये 2 हट जाएगा। अब यहां टाइम का रेशो आएगा, 6 × 12 27 में से 12 जाएगा तो 15 बचेगा, 18 × 36 36 में से 27 जाएगा तो 9 बचेगा।
यानी कि 3 × 9 होगा, 3 × 5 = 15 होगा। मेरे हिसाब से जो समय लग रहा है 3 घंटे यहां 5 घंटे यहां, तो क्या 8 यूनिट का समय लग रहा है? उसने कहा है टोटल जो समय लगता है वो 4 घंटे का लगता है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 4/8 का मतलब क्या है? आधा हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आधा आ चुकी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2 आएगी। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5/2 आ जाएगी। आपके सामने एग्जैक्ट समय आ चुका है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है कि पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो पैदल जाता कितने की गति से है? 6 किलोमीटर/घंटे की गति से। बेटा कितना समय लगता है? 1.5 घंटा लगता है। तो मेरे दोस्त दूरी कितनी हो जाएगी? तो दूरी होता है 4 × समय। 4 कितनी है? 6 है। और समय कितना है? 3/2 घंटे है। यानी आंसर कितना आ जाएगा? 9 किलोमीटर आ जाएगा। तो 18 वालों पता नहीं कैसे ला रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है। 18 वालों कैसे लेके आ रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 9 किलोमीटर हो जाएगा। मेरे दोस्त जब भी आप लोगों को टोटल दूरी अलग अलग पार्ट में तय कराने के लिए बोल रहा हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में दोस्त हमेशा एलिगेशन का यूज करेंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बेटा नहीं, 12 नहीं हुआ था चाल, यही ये एग्जैक्ट चाल है। ये एग्जैक्ट चाल है, जो उनकी एग्जैक्ट चाल थी उसी से आंसर एग्जैक्ट आएगा। चलिए फटाफट बताइए सर, ये सवाल x मानकर और भी आसान हो जाएगा, हो जाने दो, आसान हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/11 थी। यानी यहां मैं लिख देता हूं तय की गई दूरी, और यहां क्या लिख देता हूं? शेष दूरी। बचे 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय, यानी कि टोटल दूरी 24 किलोमीटर की है। जब कोई व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट चल लेता है, 1 घंटा 20 मिनट चल लेता है, तो वो यह महसूस करता है कि उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो शेष दूरी की 7/11 थी। 7/11 का मतलब है अगर शेष दूरी 11 थी, तो 11 का 7/11 निकालो तो तय की गई दूरी जो है वो 7 हो जाएगी। होगी या नहीं? यानी मेरे हिसाब से टोटल जो दूरी है वो 18 बैठ रही है, और उसने टोटल दूरी दी है 24, तो एक पार्ट की वैल्यू 24/18 हो जाएगी। 6 × 24 होगा, 6 × 3 = 18 होगा। अगर 1 = 4/3 है तो 7 = कितना आ जाएगा? यानी इसके द्वारा तय की गई दूरी 28/3 है। 1 = 4/3 है तो 11 = क्या आ जाएगा? इसके द्वारा तय की गई दूरी 44/3 है। ठीक है भाई, क्या टोटल दूरी आपके सामने 24 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है उसकी चाल क्या थी? मेरे दोस्त उसकी चाल ये थी कि वो 1 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर पाया है? इतनी दूरी तय कर पाया है। तो 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा 20 मिनट, मिनट को घंटे बनाओ, तो क्या आप लोग कह सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट का मतलब ही 4/3 घंटे होते हैं? होते हैं या नहीं? यानी आपको उसकी चाल निकालनी है, तो चाल बराबर उसने कितनी दूरी तय की है? तो आप कहेंगे उसने 28/3 दूरी तय की है, इतनी शेष बची हुई है। तो मेरे दोस्त अगर दूरी को समय से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने चाल निकल के आ जाएगी। तो इस दूरी को इस समय से डिवाइड कर दीजिए, इस समय से डिवाइड कर दीजिए, 3 से 3 कट गया, तो जवाब क्या हो जाएगा? उसकी जो चाल रही होगी वो 7 किलोमीटर/घंटा रही होगी। उसकी जो चाल रही होगी वो 7 किलोमीटर/घंटा रही होगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
जिनका 14 को एग्जाम है, आराम से खाइए, आराम से पीजिए, इंजॉय करिए, जो पढ़ना था पढ़ चुके हो, है ना, जो पढ़ना था मेरे दोस्त पढ़ चुके हो। चलिए ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। सर मॉडल पेपर नहीं पढ़ाते हो? किसके मॉडल पेपर? किसके? 10th 12th के मॉडल पेपर? 10th 12th के मॉडल पेपर के लिए जाइए RWA ट्यूशन क्लासेस पर, वहां जबरदस्त तरीके से आप लोगों का कंटेंट चल रहा है, आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें, बहुत शानदार। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? इसकी चाल 7 हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। देखिए, एक कार जो है वो 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। किसी बस की गति कार की गति की दुगनी है। बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर सकती है? छुटकू सा क्वेश्चन पूछ लिया। छुटकू सा क्वेश्चन ये है कि 18 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर देती है? तो कार जो है वो 24 मिनट में तय कर देती है। तो कार की चाल क्या आप मुझे बता पाओगे कि कार की चाल क्या होगी मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे जी कार की चाल जो है वो दूरी बटे समय होता है। दूरी है 18 किलोमीटर, समय है 24 मिनट। घंटे बनाओगे तो 60 से डिवाइड करोगे, इस 24 को 60 से डिवाइड करोगे, इसलिए मैंने 60 ऊपर लिखा है, ठीक है। तो यहां से देखिए मेरे दोस्त, आप लोग देखेंगे 12 पंजे 60 होगा, 12 दूनी 24 होगा, 2 नाम 18 होगा, यानी चाल क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी कार की 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कार जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही होगी। दौड़ क्या रही है? चल रही है बस। इसे आप वैन मान सकते हैं, ओमनी वैन। ओमनी वैन जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब आ जाओ टूरिस्ट बस की बात कर लेते हैं। टूरिस्ट बस की जो चाल है वो ओमनी से दुगनी है। किसी बस की गति कार की दुगनी है, तो बेटा उसकी गति क्या हो जाएगी? बस जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धुआं उठाती जा रही होगी, है ना। तो बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर सकती है? समय पूछना चाह रहा है इस बस का। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय कितनी दूरी तय की है? 135 किलोमीटर। और किस चाल से जा रही है? कितने से उड़ रही है? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ रही है। तो 15 निम्मा 135, 15 छक्का 90, 3 3 9 होगा, 3 2 6, यानी भैया 1.5 घंटे का समय लगेगा। और 1.5 घंटे में बच्चा भी जानता होगा कि 90 मिनट का समय होता है। 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट का समय होता है, ठीक है। 1.5 मिनट का मतलब है 90 मिनट का समय होता है, ठीक है, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर आठ पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहला काम है कि आप लोग टाइम से सेंटर पे पहुंच जाना। बस कहीं भी आप लोगों का सेंटर हो, बस टाइम से पहुंच जाना। जिनका नजदीक है वो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अक्सर वही लोग लेट करते हैं जिनका एग्जाम सेंटर जो है वो बहुत नजदीक होता है। चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक कार की चाल में 25% वृद्धि होने पर वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है। भाई 25% वृद्धि, समान दूरी, भाई इस वर्ड को पकड़ो ना, ये समान दूरी लिखा हुआ है। और जब दूरी समान होती है तो जो चाल का रेशो होता है, स्पीड का रेशो होता है, उसी का उल्टा जो होता है वो टाइम का रेशो होता है। तो मेरे दोस्त, अगर हम चाल का रेशियो मैं आपसे पूछूं, तो चाल में 25% का इंक्रीमेंट किया है, और 25% का इंक्रीमेंट का मतलब 1/4 होता है। यानी कि अगर वो पहले 4 की गति से जा रहा होगा तो अब 1 की गति ज्यादा होगी, तो अब चाल का अनुपात 5 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त,
चाल का जो रेशो है, स्पीड का जो रेशो है, वो 4:5 है। तो मेरे दोस्त, अगर मैं समय का रेशो आप लोगों से पूछूं तो स्पीड का जस्ट उल्टा, यानी पहले अगर 5 यूनिट का समय लग रहा होगा तो अब 4 यूनिट का समय लगेगा। उसने कहा है भैया 24 मिनट कम समय लगता है, मेरे हिसाब से 1 यूनिट समय कम लगता है। तो क्या 1 यूनिट की डायरेक्टली वैल्यू मिल गई है 24 मिनट? क्या 1 यूनिट की डायरेक्टली वैल्यू मिल गई है 24 मिनट? और अगर 1 बराबर 24 तो 5 बराबर 120 मिनट यहां लगे होंगे, 1 बराबर 24 तो 4 बराबर 96 मिनट यहां लगेंगे। यानी कि शुरुआती अगर समय पूछा जाता है तो 120 मिनट होगा, और अगर अब का पूछा जाता है तो 96 मिनट होगा, क्योंकि 24 मिनट जो है वो कम दे रखे। क्वेश्चन ने कहा है वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा, यानी वो शुरुआत वाली चाल पूछना चाह रहा है, तो समय लगा होगा 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। 120 मिनट का मतलब क्या होता है? 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। बात समझ में आ गई या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। हैप्पी दिवाली सर, ये साल बेरोजगारी में बीत रहा है, आपकी कृपा से रोजगार भी बनोगे यार, संघर्ष जीवन में नहीं है तो जीवन ही कैसा? अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो जीवन ही कैसा मेरे साथी, है ना? तो माँ बाप के चरण छूके और एग्जाम देने के लिए निकलिए दोस्त, आराम से सेंटर पहुंचिए, सेंटर पे जाके, चाहे सेंटर के पास जो है वो रेस्ट कर लेना थोड़ा सा। मुश्किलें जरूर होती हैं मेरे साथी, मुश्किलें मैं भी मानता हूँ, परेशानी जरूर होती है, लेकिन कोई नहीं यार, जब सेंटर दिया है तो छोड़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, है ना? तो इस वजह से मत छोड़ देना कि मैं एग्जाम हॉल पे नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है? मैं सन 87 से इसी गाने को गा रहा हूँ, है ना? ये जो मैंने अभी आपके सामने सुनाया है, ये सन 87 से मैं इसी गाने को गाता हूँ, ठीक है? अब आप समझ गए होंगे कि मैं कब की बात कर रहा हूं, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में सुनते हैं, 9 के बारे में बात करते हैं, ठीक है? देखिए थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन ने कहा है एक ट्रक जो है अबे कुछ नहीं है यहाँ जाओ, एक ट्रक जो है वो निश्चित चाल से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि उसकी चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, वही दूरी, अच्छा 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, बेटा कम अपनी तरफ से लिख लेना अगर टाइपिस्ट महोदय भूल गए हैं। एक ट्रक निश्चित चाल से 384, हाँ आप 1976 की एज के, हाँ बिल्कुल बेटा 1976 भी नहीं और कम कर दो, 47 के समय का, भारत की आजादी के समय का, है ना? चलिए 384 किलोमीटर की दूरी है, और यदि उसकी चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो वही दूरी तय करने में वह 2 घंटे अधिक समय लेता है। ट्रक की वास्तविक चाल क्या है? सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15 दिसंबर 2020 में आप लोगों से पूछा गया है। मैंने आप लोगों को बताया होगा, एक पहचान आप लोगों को बताई होगी कि जब भी कम ज्यादा समय आप लोगों को दिया हो तो मेरे दोस्त मेरे कहने से अपनी नजरों के सामने इस फॉर्मूले को लिख देना। ये फॉर्मूला जो है बस इसे लिख देना, बात बनेगी तो ठीक है, नहीं तो बाद में सोचेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये बात बन जाएगी अगर क्वेश्चन में समय में अंतर दिया हुआ है, ठीक है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने कहा है 384 किलोमीटर की दूरी है, यानी इस केस में इसने दूरी दी हुई है 300। एक बेस्ट अप्रोच आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं, ऑप्शन इसका दूसरा अप्रोच है, ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ऑप्शन से भी बताऊंगा अभी। दूरी कितनी है? 384 किलोमीटर। उसने कहा है किसी चाल से तय करता है, मुझे चाल नहीं पता है,
यदि उसकी चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यानी पहले वाली चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो मेरे दोस्त अगर पहले वाली चाल S है तो दूसरी चाल क्या S माइनस 16 हो जाएगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। मेरे दोस्त क्या दोनों चालों में डिफरेंस 16 का आएगा, क्या समय में अंतर जो है वो 2 घंटे का है, 2 घंटे अधिक समय लेती है, यानी दोनों में जो डिफरेंस आया होगा वो 2 घंटे के समय का डिफरेंस आया होगा। भाई यहां से काटा पीटी मचाइए, 2 8 16 करिए, 8 चौक 384 × 8 कर दीजिए, 384 × 8, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 8 64, 64 और 3 बताना थोड़ा, 67 को 7 हासिल 6, 8 3 24 और 6 30 हो जाएंगे। मेरे दोस्त यहां S है, ये S माइनस 16 है, ये पुरानी चाल है, ये पुरानी चाल है, और आप लोग जानते हैं ये परिवर्तन के बाद 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम करने के बाद की चाल, यानी ये नई चाल है, ठीक है। ट्रक की वास्तविक चाल यानी पुरानी चाल पूछना चाह रहा है, तो पुरानी चाल बेटा 64 रख दीजिए, यहां 64 रखेंगे और 64 में से 16 जाएगा तो 14 में से 6 गया, 48 बचेगा, क्या इकाई का अंक 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है, ऑप्शन हो सकता है। अगले की तरफ चलते हैं, एक बार करके ही देख लीजिए, 64 की गुणा 48 में कर दीजिए मेरे दोस्त, अगर ऑप्शन आ जाता है तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फिर, है ना। यहां 80 रखेंगे, देखो 80 से भी बता सकता हूं, 80 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 64 बचेगा, 64 और 6 ठीक है, तो यहां इकाई का अंक 0 आएगा जबकि लाना 2 था, तो ये तो जवाब नहीं होगा। ये 75 है और 75 में से 16 जाएंगे तो 15 में से 6 जाएंगे, 9 बचेगा, और 6 में से 1 गया तो 5, इनकी गुणा करेंगे पीछे 5 आएगा जबकि लाना 2 है, ये भी जवाब नहीं होगा। ये 48 रख लेते हैं, 48 में से 16 जाएंगे तो 32 बचेगा, इकाई का अंक 6 आएगा, यहां 2 है, ये भी जवाब नहीं होगा, तो करेक्ट जवाब जो है वो यही हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट जवाब जो है वो यही हो जाएगा। तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी क्या रही होगी, ट्रक की चाल रही होगी। ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो भैया ध्यान से, ऑप्शन से कैसे जा सकते हैं, सेकंड मेथड इसका ऑप्शन है, नहीं पढ़ना चाहते झंझट में तो मत पढ़ो झंझट में, कोई नहीं है टक्कर में आप लोगों के। देखो 384 किलोमीटर की दूरी है, दो जगह आपको चाल दी है तो दोनों जगह 384 लिख लीजिए। अगर शुरुआत वाली, मैं इसको नहीं ले रहा हूं, ये तो पहले ही ऑप्शन पे है, अगर शुरुआत वाली चाल 80 रहती है तो क्या ये 80 से कटेगा, नहीं कटेगा, पूरे पूरे घंटे का डिफरेंस आ रहा है तो ये भी जवाब नहीं होगा। क्या ये 75 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी जवाब नहीं होगा। क्या ये 48 से कटेगा, काट के देखो ना, 16 दूनी 32 होगा, 16 चौका 64, 16 3 48 और 3 से काटेंगे 8 घंटे लगेंगे, 48 में से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो तो ये 32 चाल आ जाएगी, 32 से कम 32 होगा, कितना बचेंगे 6 32 2 64, क्या इनके समय में अंतर 2 घंटे का आ रहा है, ना जी ना 4 का आ रहा है, ये भी जवाब नहीं होगा, तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मैं बता दूं कि आप इसे बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे बाई मेथड भी जा सकते हैं, लेकिन यहां आपको 100% ऑप्शन ही लगाना है, क्योंकि आपके जीवन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का कोई वर्ड नहीं है, लेकिन यहां क्वाड्रेटिक बनेगी अगर बिना ऑप्शन के जाओगे तो, फैक्टर आप लोगों को करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की सेवा में हाजिर है, फटाफट बताइए भाई क्या होगा। सर आप कौन सी कंट्री से हो, युगांडा से हूं भाई, मैं युगांडा से हूं, कुछ जो मतलब बर्थ है, बर्थ प्लेस है वो युगांडा है, बाकी एजुकेशन जो हुई है वो मेरी कीनिया से हुई है, और जो बड़े मतलब जवानी जो है, जो फिलहाल में अभी मैं फिलहाल कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो वेस्ट इंडीज से हूं। अबे कहां से, मतलब पेपर अभी सर पे रखा हुआ है और फर्जी बातें लगे हुए, फर्जी बातें हैं। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, आप फटाफट मुझे बताइए। क्वेश्चन ने कहा है, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी से सी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, ठीक है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों समय का रेशो आप लोगों से पूछा है। भाई साहब शानदार जानदार रेशो आप लोगों से पूछा है। हाँ बुढ़ापा बरमुडा बुढ़ापा बरमुडा में बीतेगा। हाँ बरमुडा का ही विचार है मेरे दोस्त, पकड़ लिया अपने बात, बरमुडा का ही विचार है अपना बुढ़ापा जो है काटने का, ठीक है। देखिए भाई क्या कहना चाह रहा है, एक व्यक्ति जो है स्थान ए से बी तक, ये स्थान ए आप लोगों के सामने है और यहां स्थान बी तक जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और बी से सी तक जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, ठीक है भाई। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही थी, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही थी, तो बताइए ए बी बी सी की चली दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों के कौन सा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है, क्या इसे डी मान के जाना चाहेंगे, क्या इसे डी मान के जाना चाहेंगे? तो आप कहेंगे जी डी मान के नहीं जाना चाहेंगे, क्वेश्चन तो बड़ा हो जाएगा। कितने लोगों के दिमाग में पहली बार में एलिगेशन क्लिक कर गया, भाई कुछ दूरी जो है उसने एक चाल से तय की है, शेष दूरी जो है उसने इस चाल से तय की है और पूरी यात्रा की चाल जो है वो आप लोगों को दी हुई है, तो कितने लोगों के दिमाग में एकदम से एलिगेशन क्लिक किया। वास्तव में शानदार हो जानदार हो जिनके भी एलिगेशन दिमाग में क्लिक किया है, एकदम जबरदस्त चीज क्लिक की है। भाई ए से बी तक की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरी यात्रा की चाल कितनी दी हुई है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और मेरे दोस्त जानते हैं चाल पे जब आप एलिगेशन लगाते हैं तो किसका रेशो आता है, तो आप कहेंगे जी समय का रेशो आता है ना। तो यहां 40 में से 30 जाएगा 10 बचेगा और 40 45 में से 40 जाएगा 5 बचेगा, यानी चाल का जो अनुपात है वो 1:2 का आ जाएगा, चाल समय का जो अनुपात है वो 1:2 का आ जाएगा। यानी ये एक घंटे में तो यहां से यहां पहुंच गया होगा, इस वाली चाल के लिए समय क्या होगा, 1 घंटा, और यहां से यहां जो है ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है वो 2 घंटे चला होगा, मान सकते हो क्या? तो आप कहेंगे मानेंगे जी। अब आपको दूरी निकालनी है, तो मेरे दोस्त एक घंटे में चाल की गुणा समय में कर दो तो पहले वाले की दूरी आ गई है और चाल की गुणा समय में कर दो तो दूसरे वाले की दूरी आ गई है, तो दोनों की दूरियों का अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों की दूरियों का अनुपात 1:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों की दूरियों का अनुपात जो है वो 1:3 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत समस्या कोई दुख दर्द कष्ट है तो बताओ मेरे साथी, 1:3 जो होगा वो डिस्टेंस का रेशो जो है वो आप लोगों का हो जाएगा। चलें आगे, तो आप कहेंगे जी बढ़ जाओ। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लिखा हुआ भी कितना अच्छा लग रहा है, दिल्ली पुलिस यानी कि आप लोगों के नवीन सर भी इसे लिखवाते ही हैं, दिल की पुलिस कहते हैं, तो आज हम भी उस वर्ड को यूज कर लेते हैं, दिल की पुलिस कांस्टेबल 3 दिसंबर 2020 में आप लोगों से पूछा है। बताइए लो सर फॉर्मूले से भी बता दो। भाई कौन सा, यहाँ ये क्लास वैसी थोड़ी चल रही है कि पूरे दिन टाइम एंड डिस्टेंस ही पढ़ते रहोगे, यही पीएचडी करोगे आज, हर एक मेथड से बता दो। मैंने बता दिया बेस्ट मेथड इसका ये था, ठीक है। वाह शाबाश, आरडब्ल्यूए का चहेता, क्या बात लिखी है, क्या बात लिखी है मेरे दोस्त, जबरदस्त है ना। डायलॉग तो आप लोग भर भर के मारते हुए देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सुनिएगा थोड़ा सा इस डायलॉग के बारे में, क्वेश्चन के बारे में सुनिएगा मेरे दोस्त क्या कहना चाह रहा है। ए एक निश्चित दूरी को कार द्वारा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, कोई दूरी है जिसे वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है
और वह स्कूटर की सवारी करते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। वाह, ऐसे गया है मेरे दोस्त, बी तक गया है, ऐसे बी तक कार से गया है, लेकिन उधर काम नहीं बना भाई साहब, काम नहीं बना तो कार छीन ली गई, उधर से स्कूटर से वापसी है। जब कार से गया होगा तो रोला जमाता गया होगा बेटा, शीशा खोल के और बाल लहरा के 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया है, और जब उधर से आया है तो मुंह बना के, मुंह पिचका के, दबी सी आवाज में बेटा आया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, है ना। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही होगी मेरे दोस्त? कुछ शिफ्टों में लगभग 60-70 शिफ्टों में औसत चाल से क्वेश्चन आएगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मन कहता है कि 60-70% शिफ्टों में जो है वो औसत चाल का क्वेश्चन आएगा, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा। औसत चाल होती है बेटा कुल दूरी बटे कुल समय। ये वो फॉर्मूला तब लगता है जब कुछ भी ना आए तो इस फॉर्मूले को लगा देना, कुछ भी ना आए तो फॉर्मूले को लगा देना, ये भी आंसर देके चला जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल केस याद रखिए कि जब भी दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती हैं, जब गया जितनी दूरी है उतनी ही दूरी वापस आया है, जब भी वो बराबर दूरी जो है अलग अलग चाल से तय की जाती हैं, तो मेरे दोस्त पूरी यात्रा का जो चाल होती है, औसत चाल होती है, उसका फॉर्मूला जो है आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि उसका फॉर्मूला ये होता है, जब भी दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो उस पूरी यात्रा की औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां देखिए बेटा, पहली चाल कितनी दी हुई है? पहली चाल 90 है, दूसरी चाल जो है वो 40 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो वो 130 है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 90 चार दूनी 8, 720 बटे 13 आ जाएगा, 720 बटे 13 आ जाएगा। ऐसे सजा दो जैसे ऑप्शन है, झल्लर पल्लर लगा के इसे सजा देते हैं। 13 पंजे 65 होगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा, 70 13 पंजे 65, 55 सही 5 बटे 13, 55 सही 5 बटे 13, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त। सर जी पॉल्यूशन कब करोगे? पॉल्यूशन नहीं करता भाई, मैं पॉल्यूशन नहीं करता, मैं ना मैं पटाखे छोड़ता और ना मैं पटाखों का मतलब सही लगता मुझे छोड़ना, है ना। तो इस चीज से आप लोग पाओगे हर एक क्वालिटी जो है वो गुजरे जमाने की है, है ना। मूवी देखना पसंद नहीं, पटाखे छोड़ना पसंद नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कभी कभी मुझे भी लगता है कि इस टाइम के लोग अब मौजूद भी होंगे क्या इस पृथ्वी पर। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? दो कारें क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। एक दूसरे की ओर चल रही हैं मेरे दोस्त, उनके एक दूसरे से मिलने से 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी? वाह, क्या क्वेश्चन दिया है मेरे दोस्त। थोड़ा सा सोच लेना, ये महोदय यहां से चलते हैं मिलने के लिए, ये महोदय यहां से चलते हैं मिलने के लिए, लेकिन उनको थोड़ी सी जल्दी ज्यादा है, वो यहां से चलती हैं मिलने के लिए, बी से चलती हैं या चलते हैं जो भी है बेटा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि क्या दोनों वस्तुएं चलती हैं। हाँ, क्या दोनों वस्तुएं चल रही हैं? तो आप कहेंगे दोनों वस्तुएं चल रही हैं। अगर दोनों वस्तुएं चल रही हैं तो बेटा गलती से भी अपनी कॉपी में चाल मत लिख देना, वहां सापेक्ष चाल लिखना, रिलेटिव स्पीड लिखना। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चलती हैं तो दोनों का चालों का योग ही सापेक्ष चाल होता है, रिलेटिव स्पीड होता है। तो आप क्या कहेंगे, दोनों की जो चाल हो जाएगी वो 115 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी।
अब वो कह रहा है कि 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी। मैंने मान लिया 12 मिनट पहले ये यहां होगा, ये यहां होगा, तो ये वाली दूरी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो दूरी पूछना चाह रहा है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 115 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है मेरे दोस्त? कितने मिनट पहले? 12 मिनट पहले। कितने मिनट पहले? 12 मिनट पहले। तो चाल की गुणा समय में कर देंगे तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी। तो मेरे दोस्त अच्छा लग रहा है क्या ये मिनट और ये घंटे लिखे हुए? इनको एक बना दो, इनको एक बना दो। इस मिनट की जगह घंटे लिखना चाहता हूं। तो आप कहेंगे फ्री फंड में थोड़ी ना लिख दोगे, नीचे 60 भी तो लिखोगे। अगर मैं मिनट को 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 60 में कन्वर्ट, यानी घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। घंटे से घंटे बेहिसाब तरीके से उड़ा दोगे, सवाल का जवाब 23 किलोमीटर दे दोगे। 12 मिनट पहले इन दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी? इन दोनों के बीच की दूरी 23 किलोमीटर रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15 दिसंबर 2020 में आप लोगों से पूछा है, सर फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स एनफ है? जितनी ताकत है उतने मार्क्स है ना, जितनी ताकत है पूरी जी जान लगा दो। जब आपका मन ये कह दे भाई इससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं है, तब आप ये कहना कि हाँ अब ये मेरा सफिशियंट स्कोर हो सकता है। चलिए, म्यूजिक एडिटर सर जी नेहा को क्लास में वापस बुला लो। बेटा प्रस्थान भी कर दूंगा, है ना, प्रस्थान भी कर दूंगा क्लास से, बहुत हो गया। मैं थोड़ा सा इसलिए इस चैप्टर में इतनी ये ड्रामाबाजी कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ जाए, पर मतलब लिमिट जो है वो क्रॉस मत करिए, ठीक है। लिमिट कर क्रॉस करने के लिए बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी क्लासेस और मिल जाएंगी, उन पर जाकर लिमिट क्रॉस कर लेना। लेकिन मेरे दोस्त प्लीज रिक्वेस्ट है कि चीजों को मतलब उसमें रहने दीजिए, लिमिटेड ही रहने दीजिए, है ना। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है? दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, उनके मध्य 41 किलोमीटर की दूरी है, तो वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे? वो आपसे ये कहना चाह रहा है। देखो प्रैक्टिकली लो, आपने ये काम, आप मतलब इस काम के बारे में सुना होगा, एक व्यक्ति यहां से चलता है मिलने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरा व्यक्ति यहां से चलता है मिलने के लिए ही चलता है, इसकी गति जो है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों के बीच की दूरी जो है, दोनों के बीच की दूरी है 41 किलोमीटर। भाई साहब कितने समय बाद मिलेंगे? आपने कहा दोनों वस्तुएं चल रही हैं, ये भी चल रही है और ये भी चल रही है। जब दोनों चल रही हैं तो चाल थोड़ी ना आएगा, सापेक्ष चाल आएगा। सापेक्ष चाल होता है दोनों चालों का योग, यानी कि मेरे दोस्त सापेक्ष चाल जो आ जाएगी वो 82 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, यानी इनके बीच की जो दूरी कम होगी वो एक घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। तो बेटा वो समय पूछ रहा है जब ये दोनों मिलेंगे, इनका मिलन समारोह होगा, तो सी पॉइंट पे मैंने मान लिया कि इनका मिलन समारोह होगा। तो समय कैसे निकालेंगे? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 41 किलोमीटर। दोनों की सापेक्ष चाल कितनी है? तो आप कहेंगे 82 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर से किलोमीटर उड़ाइए तो आप कहेंगे आधा घंटा का मतलब 30 मिनट होता है। वो ऑप्शन में आधा घंटा भी दे सकता है, वो ऑप्शन में मिनट में पूछ सकता है, यानी 30 मिनट भी आपको दे सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बेटा ये देखो, मैं तो अभी तक ये सोचता था कि मतलब दिल्ली पुलिस में तो नहीं पूछा गया होगा गोली वाला क्वेश्चन। ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का तीन जगह लग रहा होता है, एक तो गोली के क्वेश्चन पे, एक दिवाली का जो त्योहार है, एक जो है मेरे दोस्त वो पटाखे के कॉन्सेप्ट पे,
कि एक जगह जो है वो इतने समय के अंतराल पर पटाखे छोड़े गए, लेकिन उसी तरफ आ रहे एक व्यक्ति को पटाखे की आवाज इतने समय के अंतराल पर सुनाई देती है, तो बताइए कि उसमें कुछ भी पूछ सकता है, ध्वनि की चाल पूछ सकता है, व्यक्ति की चाल पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन के अंदर जो है वो पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका दोस्त मैंने आप लोगों को बता रखा है। रिकॉल कराने के लिए मेरे दोस्त आपके सामने इस क्वेश्चन को उठा के लेके आया हूं, ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक बस टर्मिनल से 8 मिनट के अंतराल पर दो बसें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान करती हैं। तो मेरे दोस्त बस है, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया है ऐसे केस में टाइम का रेशो निकालना होता है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर साइकिल से आ रहे उस व्यक्ति की, साइकिल से आ रहे यानी साइकिल का जो टाइम है, तो मैंने कहा था इन दोनों के टाइम का डिफरेंस 6 मिनट बाद मिल रही है, तो इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस होता है वही बस का समय होता है। 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, और ये साइकिल का समय आप लोगों को दिया ही हुआ है, साइकिल का समय जो है वो 6 मिनट आप लोगों को दिया ही हुआ है। तो यहां से आप लोग क्या कहेंगे, यहां से आप कहेंगे कि टाइम का रेशो 1:3 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप स्पीड का रेशो 3:1 बता देंगे, क्या इस बात में आप लोगों को कोई दिक्कत है? अगर टाइम का रेशो 1:3 आ चुका है तो स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशो जो है वो 3:1 आ जाएगा, यानी कि बस की चाल 3 है लेकिन बस की चाल कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, 3 बराबर 30 तो 1 बराबर 10, यानी साइकिल जो है वो 10 की गति से चल रही है, और यही उसने पूछा है उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए, यानी व्यक्ति की जो साइकिल चल रही है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब आप कहोगे ये डिफरेंस क्यों लिया, तो ये बाद का विषय है, आपके पेपर के बाद बात करेंगे कि हमने डिफरेंस क्यों लिया है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। दो स्थान ए और बी के मध्य दूरी 190 किलोमीटर है। क्वेश्चन की लेंथ को देख के ये डिसाइड मत कर लेना कि क्वेश्चन बड़ा होगा, क्वेश्चन की लेंथ को देख के डिसाइड हम लोगों को नहीं करना है, बल्कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो हम लोगों को सीखना है। ठीक है, अनमोल पूछे जा रहे हैं जी आप घर पर क्या करते हो, पुस्तर है बेटा पुस्तर है ना, पेपर में यही लिख के आना जी राहुल सर ये घर पे करते थे या वो वाले सर ये घर पे करते थे, है ना। भाई क्या दिमाग चला रहे हो मेरे दोस्त, किसी की तो तैयारी कर रहे होगे, मुझे नहीं लगता कि क्लास में अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो क्लास में आप ऐसे ही आएंगे, क्योंकि जो तैयारी नहीं कर रहा है उसके पास तो बहुत सारी चीजें हैं यूट्यूब पे देखने के लिए, लेकिन जो कभी ना कभी तैयारी से जुड़ा है या अभी भी जुड़ा हुआ है वही क्लास में आएगा, चाहे वो मेरी में हो चाहे वो किसी और की में हो। अगर तैयारी से जुड़े हो तो ये फालतू के यार क्या करना है, क्या करते हो जी घर पर घर पर क्या करते हो भाई, कोई सवाल है तू क्या, कोई मतलब भगवान ने दिमाग बना के भेजा है लेकिन किसी में कम ज्यादा तो किया है, ये बात तो तय हो चुकी है। मतलब साइंस वाले सर से पूछना पड़ेगा कि क्या सब में ही दिमाग इक्वल होता है, मतलब मेल फीमेल को अलग कर दूं क्या सभी मेल में दिमाग बराबर होता है, या दिमाग बराबर होता है तो फिर ये उल्टी सीधी बात कैसे करते हैं। हाँ जय मेरे दोस्त यहां भगा चला
ज्यादा बात मत बना, नहीं तो भेज दूंगा तुझे पाताल लोक। एक बस स्थान ए से सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है। कहां प्रस्थान करती है? 6 बजे सुबह प्रस्थान करती है, ठीक है भाई। और स्थान बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। बहुत बढ़िया बात है, 6 बजे प्रस्थान करी है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। दूसरी बस स्थान बी से सुबह 7 बजे प्रस्थान करती है। जीडी वाले हो या टीडी वाले हो? जीडी वाले हो तो कौन सा पेपर नहीं दोगे, या बिना पेपर दिए बेटा एग्जाम पास हो जाएगा। बी से सुबह 7 बजे प्रस्थान करती है और स्थान ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो क्वेश्चन ने कहा होगा दोनों बसें कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। सबसे पहले ये बात समझ लो, जैसे यहां वर्ड बस का लिखा हुआ है, सेम यही क्वेश्चन जो है वो ट्रेन में बन जाता है जब दोनों तरफ ट्रेन लिखा हुआ हो। तो आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बाकी इसे मैं ट्रेन में नहीं कराऊंगा, ट्रेन में भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आप लोगों का लग रहा होगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये महोदय जो है ये कितने बजे बस को लेकर निकले हैं? 6 बजे। और ये कितने बजे निकलेंगे? 7 बजे। इसने कहा भाई तू अधिकारी थोड़ी ना है, 7 बजे तू चला है तो मैं भी 7 बजे चलूंगा। हमारी जो दूरी नापी जाएगी, हमारी जो रेस नापी जाएगी, वो 7 बजे से नापी जाएगी कि हम कब मिलेंगे। तो मेरे दोस्त इसे जो है ये 1 घंटा पहले चला है, पहले इसे 1 घंटा चला दो। 1 घंटे में ये कितना जाता है? 40 किलोमीटर। यानी 7 बजे तक ये 40 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा और अब ये कहेगा भैया ठीक है, अब दोनों का चलने का समय यहां से शुरू होता है, मैं यहां से चलूंगा तू वहां से चल, दोनों की घड़ी में 7 बजे हैं। बजे हैं क्या? अगर मैं पूछूं 190 टोटल दूरी थी, उसमें से 40 किलोमीटर जो है वो तय हो चुकी है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि अब इनके बीच का फासला जो होगा वो 150 किलोमीटर का होगा? यानी कि अगर मैं आप लोगों से समय पूछूं कि भाई साहब अब ये कितने बजे मिलेंगे, यानी 7 बजे के बाद अब ये कितने बजे मिलेंगे, तो आप कहेंगे दोनों के बीच की दूरी कितनी रह गई? आप कहेंगे 150 किलोमीटर। जब दो विपरीत दिशा में चल रही हो तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होता है, तो 50 और 40 90 हो जाएगा। 3 5 15 होते हैं, 3 3 9 होते हैं, 3 1 3 ये 2/3 आ जाएगा। मिनट बनाएंगे 60 लिखेंगे, यानी 1 घंटे 40 मिनट बाद जो है इनका मिलन होगा। 1 घंटे 40 मिनट बाद जो है इनका मिलन होगा। अगर 1 घंटे 40 मिनट बाद इनका मिलन होगा तो 7 बजे से 1 घंटा 40 मिनट कब होगा मेरे दोस्त? 8:40 पर हालचाल पूछ रहे होंगे कि कैसा है भाई, कब है तेरा पेपर, एडमिट कार्ड आया या नहीं आया? तो वो कहेगा आ गया है, 14 तारीख को पेपर है। सुबह 8:40 पे इन दोनों का मिलन हो जाएगा, ठीक है भाई। सुबह 8:40 पर इन दोनों का मिलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? लिखा कुछ नहीं है लेकिन इंपोर्टेंट शायद बहुत ज्यादा है, वेरी इंपोर्टेंट या मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन, मैं कह सकता हूं कि एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है भाई बेहतरीन क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन को सुनिए थोड़ा सा। अमिता अपने घर से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 6 मिनट की देरी से अपने स्कूल पहुंचती है। अमिता क्या करती है? अमिता 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है, लेकिन अपने स्कूल जो है वो 6 मिनट देरी से पहुंचती है।
अगले दिन उसने क्या किया, अपनी चाल को बढ़ा के 4:30 कर दिया, क्योंकि पहले दिन ही लेट पहुंची थी। अब वह 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती है। जब बात पहले और बाद की होती है तो बेटा घर से स्कूल के बीच की दूरी का फॉर्मूला एक बार अपनी कॉपी में बिना मेरी आवाज सुने छाप दो कि दोनों की चालों का गुणनफल अपॉन दोनों की चालों का अंतर इंटू समय में अंतर। जहां भी क्वेश्चन में पहले और बाद में दे दिया जाए कि 10 मिनट पहले, 5 मिनट बाद, 2 घंटे बाद या ऐसा कुछ दे दिया जाए तो आप लोग समय में अंतर वाला कॉन्सेप्ट लगा देना, ठीक है भाई। तो दूरी निकालनी है, पहली चाल कितनी है, 3 × 6 और 1/7/2 हो जाएगी, या ऐसे कर लो पहली चाल है 3.5, दूसरी चाल है 4.5, दोनों का अंतर है 1। समय में अंतर कौन बताएगा, समय में अंतर कौन बताएगा। शुरुआत में पहुंची 6 मिनट लेट, 6 मिनट लेट यानी 6 मिनट आगे, फिर बाद में पहुंची 10 मिनट पहले यानी कि करेक्ट टाइम से 10 मिनट पहले। तो 10 मिनट पहले और 6 मिनट बाद में डिफरेंस कितना है, 16 मिनट का है। कितने मिनट का डिफरेंस है, 16 मिनट। अच्छा लग रहा है क्या मिनट में, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, घंटे में बनाना पड़ेगा। तो 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाओगे, 2 पॉइंट हटाओगे तो नीचे सुंदर सी 2 जीरो भी लगानी पड़ेंगी। आप कहोगे जिसमें भी कोई बात है, 15 × 3 = 45, 4 × 60, 4 × 16, 4 से काट दो 25 बार कट जाएगा, 5 से काटोगे 7 बार कटेगा, 5 से काटोगे 5 बार कटेगा, 21/5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 5 × 20 होगा, 5 × 2 = 10 होगा, 4.2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो 4.8 वालों, 4.8 वालों, 4.8 वालों इसका गलत जवाब होगा 4.8। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो 4.2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्लास जो है आप लोगों की 11 बजे तक होगी, है ना, 11 बजे तक होगी मेरे दोस्त, क्योंकि 11 बजे जीडी की भी क्लास है। ये क्लास जो है 11 बजे तक आप लोगों की हो जाएगी। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ बेटा कुछ नहीं भूले हो, जिनका भी 14 को पेपर है, अगर नहीं भी लेना चाहते हैं, नहीं भी लेना चाहते हैं मत लो क्लास, लेकिन घबराना नहीं है, कुछ नहीं भूले हो, सब चीज याद आ जाएगी, है ना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि यदि कोई लड़का अपने घर से अपने स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा में लगने वाला समय क्या होगा, वो आप लोगों से साथी ये पूछना चाह रहा है। वाकई में एक शानदार क्वेश्चन। हाँ देखिए, यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पहले दूरी निकाल लीजिए, दूरी कितनी है मेरे दोस्त, दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे दूरी का फॉर्मूला, पहली चाल कितनी 40 किलोमीटर, दूसरी चाल कितनी है 35 किलोमीटर, दोनों का डिफरेंस कितना है 5 और समय में अंतर और बता दीजिए। पहले वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है और फिर वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 10 मिनट पहले 5 मिनट बाद यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 15 मिनट का गैप आएगा। 15 मिनट अच्छी नहीं लग रही है तो घंटे में बना लीजिए बहुत जल्दी, है ना। 20 × 40, 20 × 3 = 60 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 यानी कि टोटल दूरी जो है वो 70 किलोमीटर हो जाएगी, 70 किलोमीटर हो जाएगी यानी घर से स्कूल तक की दूरी जो है वो 70 किलोमीटर हो जाएगी, है ना।
क्वेश्चन ने कहा है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने में लगने वाला समय क्या होगा। तो मेरे दोस्त समय पूछना चाह रहा है, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी यानी कि 70 किलोमीटर अपॉन चाल, चाल कितनी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे तो समय निकल के आ जाएगा। दो घंटे का मतलब 120 मिनट हो रहा है। बस मुझे ये बता दो कि कहां गए वो 125 मिनट वाले, कहां गए वो 130 मिनट वाले हैं। तुमने आतंक मचाया हुआ है, 115 आंसर दे रहा है कोई, 125 आंसर दे रहा है, तुक्के का यूज क्यों कर रहे हो। अगर चीजें नहीं करनी है तो क्लास बेटा क्यों अपना समय वेस्ट कर रहे हो, क्यों अपने नेट को वेस्ट कर रहे हो। नेट पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, उनको देखो फिर जाके यार। मतलब मैं आपकी जगह होता ना, मतलब मैं क्लास में समय नष्ट नहीं करता अपना, फिर मैं अपनी बेहतरीन बेहतरीन चीजें देख रहा होता, समझ रहे हो ना, बेहतरीन बेहतरीन चीजें की कहां की कैसी बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लो बेटा पढ़ लो। वो माँ बाप बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं, वो माँ बाप काम पे से भी नहीं उठा रहे होंगे, खुद काम कर रहे होंगे, माँ के कहाँ दर्द है कहाँ दर्द नहीं है कभी तुम्हें नहीं बता रही होगी। पिताजी कितना परेशान होके काम कर रहे हैं कभी तुम्हें नहीं बता रहे होंगे। तुम्हारी पढ़ाई पे असर ना पड़ जाए, तुम बेचैन ना हो जाओ, क्योंकि माँ बाप को भ्रम रहता ही है कि उनकी औलाद जो है वो कोई अच्छा काम कर रही है। सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनको चुनिंदा लोगों के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन उनको क्या पता कि उनकी औलाद जो है इससे तो उससे काम ही करा लो, कम से कम अपने कष्ट तो बचा लो थोड़े बहुत, है ना। तो थोड़ा सा यार सोचा करो, मतलब अगर इस जमीन पे पैदा हुए हो, इस धरती पर आए हो, इस संसार में आए हो, तो थोड़ा अच्छा काम भी करो, है ना। अच्छा काम इन द सेंस भगवान को खुश करो, और जो देखा नहीं है उस भगवान को छोड़ो, जो सामने दो भगवान है उनको खुश करो, है ना। वो खुश तो सब कुछ खुश, है ना, वो खुश तो जग खुश। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, अगर आपने उन दोनों को खुश किया तो दोस्त जीवन में कभी दुख नहीं आएगा कभी भी, और किसी चीज की कमी नहीं होगी, हर शोक पूरा हो जाएगा अगर आपने उन दोनों को खुश कर दिया। चलिए प्लस 5 क्यों होगा, क्वेश्चन ने कहा है 5 मिनट देरी से पहुंचता, ये उस वाले केस में। वो कह रहा है अगर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा में लगने वाला समय पूछ रहा है, तो टोटल दूरी को टोटल चाल से डिवाइड कर दो, टोटल समय आ जाएगा। 5 मिनट दूसरे केस का दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है भाई, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, वह प्रत्येक किलोमीटर बाद 4 मिनट आराम करता है, उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो अच्छा एक बात बताइए, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, यानी 8 किलोमीटर जो है वो एक घंटे में चलता है, वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट रुकता है, यानी उसे 6 किलोमीटर जाना है, तो क्या 6 किलोमीटर में उसे 5 बार रुकना होगा। तो अगर वो बिना रुके चलता तो पहले तो बिना रुके उसका समय निकाल लो कि बिना रुके उसका समय क्या होता। तो 6 किलोमीटर जाना है, उसकी चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 से इसे डिवाइड कर लो मेरे दोस्त। आप कहेंगे जी ये घंटे में आएगा, तो मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा कर दो, 4 दुनी 8 होगा, 4 से काटेंगे 15 बार, 2 तिया 6, यानी अगर बिना रुके चलता तो वो 45 मिनट में, बिना रुके चलता तो वो 45 मिनट में टोटल 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता। लेकिन आप एक चीज देखो कि उसे 6 किलोमीटर जाना है, उसे 6 किलोमीटर जाना है, यहां से चला होगा 1 किलोमीटर, यहां से चला होगा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, यहां तक पहुंचना है, तो बीच में कितनी बार रुकेगा, तो आप कहेंगे बीच में 5 बार रुकेगा।
जितने किलोमीटर जाना है अगर हर घंटे पे रुक रहा है तो उससे एक कम बार रुकेगा, तो मेरे दोस्त वो 5 बार रुकेगा, और एक बार रुकने पर उसे 4 मिनट आराम करना होता है, तो 5 बार रुकने पर क्या वो 20 मिनट आराम में खर्च कर देगा? यानी कि अगर मैं टोटल समय आपसे पूछूं तो 45 में 20 जोड़ेंगे वो फाइनल डेस्टिनेशन पर जो पहुंचेगा वो 65 मिनट में पहुंचेगा। कितने मिनट में पहुंचेगा मेरे दोस्त? तो आप लोग 65 मिनट पे वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 फेवरेट क्वेश्चन रहा है, अब एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है ये, तो देखते हैं कितनी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जाता है। 60 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ बेटा? मिनट बनाने के लिए। अगर मिनट को घंटे बनाओगे तो 60 से डिवाइड करोगे, और अगर घंटों को मिनट बनाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने, चोर सिपाही का क्वेश्चन है, याद रखना कुछ शिफ्टों में जरूर जिन क्वेश्चंस पे मैंने कहा है कुछ शिफ्टों में जरूर, उन्हें अपने एग्जाम से पहले एक बार देख के जरूर जाना, क्या पता वो आपकी ही शिफ्ट में पूछ लिए जाए, लेकिन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कुछ ना कुछ शिफ्टों में जरूर पूछे जाएंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक चोर 3 बजे एक वैन चुराता है, चुराया भी तो क्या वैन, और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। 4 बजे चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक अन्य वैन से वैन का ये शोरूम दिखे इस मालिक का भी, चुरी भी वैन और गया भी वैन से, उसका पीछा करना शुरू करता है, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ पाएगा? ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्त पूछा गया है। मान लो चोरी जो हुई थी वो यहां हुई थी, यहां समय था 3 बजे, चोर ने वैन चुराई और वैन चुरा के 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना चालू कर दिया, और 1 घंटे बाद मालिक सो के उठा है, तो क्या 1 घंटे में 57 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा? यानी चोर जो है अपनी वैन को लेके यहां मौजूद होगा जो 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर दौड़ रही है, यहां मालिक साहब उठे होंगे, लेकिन मालिक साहब मेरे दोस्त 4 बजे उठते हैं, 1 घंटे बाद उठते हैं, और उन्होंने वैन को अपनी पीछे लगा दिया, इसके मालिक की गति है 76 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आप लोगों को क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है। तो एक बात मुझे बताइए, अगर 1 घंटे बाद मालिक चालू हुआ है दौड़ना चालू हुआ है, तो 1 घंटे बाद क्या इनके बीच का फासला 57 किलोमीटर का होगा? तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं कितने समय बाद मिलेंगे, तो समय बराबर होता है दोनों के बीच की दूरी, वो कितनी है? 57 किलोमीटर। अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। तो ये 57 से था, ये 76 से था, तो 76 में से 57 जाएगा, तो आप कहेंगे इनकी जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, यानी कि 3 घंटे बाद जो है वो भाई साहब से पूछा जा रहा होगा, हाँ जी क्या हाल चाल है, 3 घंटे बाद इन दोनों का मिलन होगा, यानी ये 4 बजे इन्होंने पीछा करना स्टार्ट हुआ है, तो ठीक 7 बजे जो है वो चाय पर चर्चा चल रही होगी। ऑप्शन नंबर सी। क्या कोई ऐसा योद्धा क्लास में मौजूद है जो ये बता पाए कि चोर जहां चोरी हुई है वहां से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? चोर जो है जहां पर चोरी हुई है वहां से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, यानी चोरी वाले स्थान से कितनी दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, चोर मालिक कितने घंटे लगातार वैन चला रहा है चोर को पकड़ने के लिए? आप कहेंगे 4 घंटे। तो अगर 1 घंटे में 76 किलोमीटर जाता है तो 4 घंटे में कितना जाएगा? तो आप कहेंगे भैया 304 किलोमीटर दूर पकड़ा जाएगा, 304 किलोमीटर दूर पकड़ा जाएगा। तो 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है, 1 घंटे, अच्छा 3 घंटे बाद पकड़ा जा रहा है, वाह, 1 घंटे 3 घंटे बाद पकड़ा जा रहा है, 4 घंटे बाद नहीं पकड़ा जा रहा है, तो आप कहेंगे 6 * 18 = 8, 8 * 1 = 7, 21 = 22 हो जाएगा, तो 228 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा।
228 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा, है ना भाई। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है, यानी पुलिस वाला यहां है, चोर जो है वो यहां है, और कितनी आगे है? 1250 मीटर आगे है। ठीक है भाई, अब आगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? पुलिसकर्मी और चोर क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस वाला जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, और चोर जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। ठीक है, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, यानी ये जहां पकड़ा गया है वो यहां से कितनी दूर पकड़ा गया है। तो पहले समय निकाल लो, कितने समय बाद पकड़े जाएगा। सबसे पहले समय मैंडेटरी होता है ऐसे क्वेश्चन में, समय तो पता चले कितने समय बाद जो है वो भाई साहब मिल रहे होंगे, तो आप कहेंगे समय बराबर होता है दोनों के बीच की दूरी अपॉन सापेक्ष चाल। 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में बना लो, यानी कि इतने सेकंड बाद जो है वो चोर महोदय पकड़े जाएंगे। काटापिटी मचाओ, 5 × 10 से 1 ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस सेकंड को घंटे में बदलना है, इस सेकंड को घंटे में बदलना है मेरे दोस्त, सेकंड को घंटे में बदलना है। तो कैसे करोगे? 3600 से डिवाइड करोगे, 18 × 36 हो जाएगा, 200 हो गया, 25 × 5 = 125 हो गया, 25 × 8 = 200 हो गया, यानी भाई साहब 5/8 घंटे बाद पकड़ा जाएगा चोर जो है वो, 5/8 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। तो इतने समय में चोर कितनी दूरी तय कर लेगा? तो दूरी बराबर चाल, चोर की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय बाद पकड़ा जा रहा है? तो समय दे रखा है 5/8 घंटे बाद पकड़ा जा रहा है, घंटे से घंटे उड़ाओ, 8 से 8 उड़ाओ, यानी कि 5 किलोमीटर बाद जो है वो दबाके इसका बाज रहा होगा, दबाके इस पे बाज रहा होगा, चोरी चोर पे बाज रहा होगा 5 किलोमीटर दूर। चोर अपने स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा, और पूछे कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, तो आप कहना 5/8 घंटे बाद पकड़ा जाएगा, 5/8 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, 3600 कैसे आया? बिल्कुल ही हद कर रहे हो भाई, अब तो ये 18 सेकंड का समय है, मिनट में बदलोगे तो 60 से डिवाइड करोगे, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, इस सेकंड को घंटे में बदलोगे तो 3600 से डिवाइड करोगे, एक घंटे में, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितनी सेकंड? 3600 सेकंड। तो जैसे ही 3600 से डिवाइड करोगे घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, वही घंटे में मैंने कन्वर्ट किया है, वही घंटे में मैंने कन्वर्ट किया है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चंबल का डाकू, आजा मेरे शेर आजा, मतलब तेरे दिमाग में ऐसी उपज क्यों होती है, है? जब भी देखा तू मैंने ऐसी ही बात करता देखा मेरे साथी, ऐसी ही चीज की उपज क्यों होती है? एक कह रहा है जी कभी कभी चोर भी बजा देता है पुलिस पर, मतलब यही चीजें क्यों आती है तेरे दिमाग में? चलो फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। नाम भी तेरा डाकू और काम भी तेरे डाकू जैसे ही है मेरे दोस्त, काम भी तेरे सारे डाकू जैसे ही है, बात भी तेरी डाकू जैसी है, कभी कभी चोर भी बजा देता है, मतलब फील कर गया है ये, पूरा फील ले रहा है डाकू बनने का, डाकू की मतलब तरफदारी कर रहा है, है? मेरे दोस्त चलो फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन भाई साहब? क्या क्वेश्चन कह रहा है? ए और बी ने क्रम से बिंदु एक्स और बिंदु वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किया, ये बिंदु एक्स है
और यहां बिंदु वाई है, और यहां से ए जो है वो बी की तरफ चलता है और बी जो है वो ई की तरफ चलता है, एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर दिया है। रास्ते पर मिलने के बाद यहां किसी पॉइंट पर ये मिले, इस पॉइंट पर ये मिले हैं, ठीक है। बिंदु वाई जो है और बिंदु एक्स तक पहुंचने में ए और बी ने, ये ए जो है बिंदु वाई पर पहुंचने में कितना समय लेता है, तो आप कहेंगे ये 5.4 घंटे का समय लेता है, जबकि वो जो है वो दूसरा वाला जो है वो 2.4 घंटे का समय लेता है। कितने घंटे का, तो आप कहेंगे 2.4 घंटे का। यदि एक ही चाल 16 किलोमीटर बेटा मिलने के बाद का समय अगर आप लोगों को दिया हो, तो एक रिलेशन आज भी बताया था, पहले भी बताया था, तो बी की चाल पूछी है, इसकी चाल हम लोग एस टू मान लेते हैं, इसकी चाल हम लोग क्या कह लेते हैं, इसकी चाल हम लोग एस टू मान लेते हैं, ठीक है। पहले की चाल 16 है, दूसरे की चाल H2 है, बहुत खुशी की बात है। रेशो जो होता है वो T2/T1, यानी इसका समय, और इसका समय कितना है 2.4 है, और इसका समय कितना है 5.4 है, ठीक है भाई। तो अगर यहां पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 2 से 6 से काटा, 6 चौक 24, 6 नाम 54 हो जाएगा, क्या ये बात क्लियर है। अब यहां देखिए 16/H2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 से काटेंगे 8 बार, 8 3 24 हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त, अगर मैं दूसरे वाले की चाल आप लोगों से पूछूं, तो दूसरे वाले की चाल जो होगी वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, उसने दूसरे वाले की चाल ही आप लोगों से पूछी है, तो सवाल का जवाब 24 हो जाएगा। बस इस रिलेशन को याद रखना कि अगर मिलने के बाद का समय आप लोगों को दिया हुआ है, तो उनकी चाल का रेशो क्या हो जाएगा, उनके समय के रेशो के उल्टे के वर्गमूल के बराबर हो जाएगा। हाँ बेटा देखो, पहले की चाल 16, दूसरे की चाल एस टू, तो यहां जो है दूसरे का समय लेना है, दूसरे को कितना समय लगा है, ये वाला दूसरे का समय है, तो ये 2.4 इसलिए लिया है, पहले का समय ये है, इसी को तो यहां से यहां तक पहुंचने में इतना समय लग रहा है, तो पहले का समय यहां लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए बेटा सही समय, आप 17 क्वेश्चन में 17वें क्वेश्चन में कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, 115 क्यों होगा, टोटल दूरी कितनी आई है 70 किलोमीटर, उसने कहा है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा में लगने वाला समय क्या होगा, वो एक्चुअल समय पूछना चाह रहा है। उसने अगर सही समय पूछा होता तो अगर वो 35 की गति से जाता है तो 5 मिनट इसमें इंक्लूड है, वो लेट वाली इंक्लूड है। अगर वो सही समय पूछता तो मैं 115 मिनट बताता, लेकिन उसने कहा है उसे यात्रा में लगने वाला समय क्या होगा, तो वो 120 मिनट समय लगा होगा, 5 मिनट लेट वो इसमें इंक्लूड रहेगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने, 21 भी हो गया क्या, 21 भी हो गया, 22 भी हो गया क्या, 22 नहीं हुआ है, 22 बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, हाँ क्वेश्चन ने कहा है ए और बी ने एक साथ क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया है, एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया है। आगे क्या कह रहा है, रास्ते में बिंदु एम पर मिलने के बाद, रास्ते में बिंदु एम पर मिलने के बाद, यहां ये बिंदु एम पर मिलते हैं, एम पर मिलने के बाद जो है ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में, वाई तक पहुंचने में इसे 3.2 घंटे का समय लगता है और दूसरे वाले को 7.2 घंटे का समय बच्चे लग रहा है, और उनके द्वारा M बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना था, वो आप लोगों से जस्ट ये पूछना चाह रहा है कि उनके द्वारा M बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना था, क्या कोई मुझे बता पाएगा, क्या कोई मुझे बता पाएगा कि M बिंदु तक, हाँ
एम बिंदु तक लगने वाला समय बेटा इसका जो तरीका होता है, इसका तरीका होता है आप लोग T1 की गुणा T2 में कर दो, T1 की गुणा T2 में कर दो, ठीक है। देखिए पहला समय कितना है, पहला समय 3.2 है तो इसे 32 बटे 2 लिख 10 लिख दो, इसका समय है 72 बटे इसे 10 लिख दो, ठीक है भाई। दो से काटेंगे 16 बार, दो से काटेंगे 5 बार, दो से काटेंगे 36 बार, दो से काटेंगे 5 बार, तो 16 का वर्गमूल 4 होगा और 36 का वर्गमूल 6 होगा और 5 पंजे 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो 24 बटे 5 का मतलब क्या है, तो 5 चौक 20, 4 बचेंगे 5 अट्ठे 40, तो यानी ये कितने समय बाद मिले होंगे, ये 4.8 घंटे बाद मिले होंगे। जब भी आप लोगों से पूछा जाए, जब भी आप लोगों से पूछा जाए इनके मिलने का समय पूछा जाए, तो बस फॉर्मूला जो है वो ये लगा देना कि ये इतने समय बाद मिल रहे होंगे, अंडर रूट के अंदर T1 इंटू T2 करा दे, लिख देना, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आवर्त दशमलव मैं आपको बता के जाऊंगा सरलीकरण में, बाकी बोर्ड मास का नियम बताने की जरूरत नहीं है। आवर्त दशमलव जो है, रिकरिंग डेसिमल क्या होता है उसे मैं आप लोगों को आज ही बता के जाऊंगा, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा है कि दो साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशा में यात्रा शुरू करते हैं, एक उत्तर की ओर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, एक उत्तर की ओर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और दूसरा जो है दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो मेरे दोस्त उन्हें एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर की दूरी होने पर कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है, 47.5 किलोमीटर की दूरी रखनी है दोनों के बीच में, अपॉन चाल, चाल आएगा या सापेक्ष चाल। आप कहेंगे दो वस्तु चल रही है, एक उत्तर की ओर जा रही है, एक दक्षिण की ओर जा रही है, तो चाल नहीं आएगा यहां, दोनों की चालों का योग सापेक्ष चाल आएगा, क्योंकि जब दोनों वस्तु विपरीत दिशा में है, दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में है, तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। तो दोनों की चालों का योग क्या हो जाएगा, 24 और 14 38 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, पांच नाम 45 होगा, पांच पंजे 25 होगा, पांच छंग 30 होगा, पांच सत्ते 35 होगा, पांच छंग 30, 19 पंजे 95, 19 चौका 76 होता है, यानी कि 4 एकम 4 होगा, एक सही 1 बटे 4 घंटे हो जाएगा। एक सही एक बटे चार घंटे बाद जो है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 47.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 47.5 हो जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहना चाहता है। रीजनिंग का क्लास 11 बजे होगा, है ना, रीजनिंग का क्लास 11 बजे होगा मेरे दोस्त, ठीक है। वो एसएससी जीडी वालों के लिए है, वो एसएससी जीडी वालों के लिए है। अगर आपको भी रिवीजन करना है तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन वो एसएससी जीडी वालों के लिए है मेरे दोस्त, ठीक है। आपकी हो चुकी है रीजनिंग की क्लास, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से, 120 किलोमीटर यानी स्टीमर से कितनी यात्रा की है, तो आप कहेंगे 120 किलोमीटर की यात्रा, 450 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से यानी ट्रेन से कितनी दूरी तय की है, 450 किलोमीटर की यात्रा तय की है, और 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से तय की है यानी हॉर्स से कितनी तय की है, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर की यात्रा तय की है, ठीक है। इस पूरी यात्रा में उसे 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा, यानी टोटल जो समय दे रखा है वो 13 घंटे 30 मिनट दे रखा है, ठीक है।
यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की गति से तीन गुनी है, रेलगाड़ी यानी ट्रेन की चाल जो है वो हॉर्स की गति से तीन गुनी है, हॉर्स की गति एक है तो ट्रेन की गति तीन हो जाएगी, और स्टीमर की चाल से डेढ़ गुनी है, ये जो ट्रेन की चाल है इससे तो तीन गुनी है और स्टीमर की गति से डेढ़ गुनी है, तो डेढ़ गुनी जो होगी वो दो का डेढ़ गुना तीन आएगा और इसका तीन गुना तीन आएगा, आएगा या नहीं। अब क्वेश्चन ने कहा है कि स्टीमर की चाल कितनी है, तो बेटा दो का मल्टीपल यानी कि चारों ही दो के मल्टीपल है। अब कैसे निकाले मेरे दोस्त, कैसे निकाले सर जी चाल कैसे जुड़ी है, ताराचंद ताराचंद मेरे दोस्त जब वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल दोनों चालों का योग होती है, जब वो एक ही दिशा में आ रहे हैं एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चालों का अंतर सापेक्ष चाल होती है, ठीक है भाई ताराचंद। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, अगर मैं यहां से देखता हूं, यहां से देखता हूं चाल, अगर मैं यहां से देखूं बेटा यहां 2t कर देते हैं, यहां 3t कर देते हैं, यहां 1t कर देते हैं, तो ध्यान से सुनना, अगर दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे तो ये 60 बटे t आ जाएगा, ये पहले का समय आ जाएगा, दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे तो ये 150 बटे t आ जाएगा, ये दूसरे का समय आ जाएगा, और 60 बटे टी करेंगे ये तीसरे का समय आ जाएगा, ये तीनों के समय का योग आ जाएगा, और उसने तीनों के समय का योग दिया है 13.5 घंटे का मतलब होता है 27/2 घंटे दिया हुआ है, ठीक है 150 और 60 210 270 बटे टी आ जाएगा, 270 बटे टी बराबर 27/2 हो जाएगा, 27 से काटोगे 10 बार कटेगा और 10 दुनी 20, क्या t की वैल्यू 20 आ चुकी है, क्या t की वैल्यू 20 आ चुकी है, अगर t की वैल्यू 20 आ चुकी है तो इसकी गति कितनी होगी 40, इसकी गति कितनी होगी 60 और इसकी गति कितनी होगी 20 हो जाएगी। उसने पूछा स्टीमर की चाल कितनी है, तो सवाल का जवाब जो हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आसान और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आसान और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक दो लोग तो क्लास में हैं, ऐसे हैं मतलब पूरा मनोरंजन करते हैं, पूरा मनोरंजन, जैसे ही उन्होंने कोई क्लास में देखा अच्छा, एकदम से देखा अच्छा तुम्हारा कहां सेंटर है, सब कुछ छोड़ के स्ट्रीमर और ये कौन सा ट्रेन थी और ये हॉर्स वाला क्वेश्चन पोश्चन सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब काम अलग रख के, कॉपी पेन साइड, अच्छा तुम्हारा सेंटर कहाँ है, कब है तुम्हारा पेपर, मॉक टेस्ट में तुम्हारे स्कोर कितना आ रहा है, मतलब धीरे धीरे बात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ओके, वो ये सोच रहा है कि कार्ड जो है वो यहीं से छप जाएगा, अरे मेरे नादान बालक इस चीज से कार्ड छपेगा, है ना, मैं शादी के कार्ड की बात कर रहा हूँ, वो इस चीज से कार्ड छपेगा, यहां बात फोड़ने से कुछ नहीं होगा। अच्छा तैयारी कैसी चल रही, जैसे कितना बड़ा तैयारी वाला है ना, खुद मौक में मतलब ला रहा है, 50 और 60 के बीच में उलझा पड़ा है, उसे सही गाइड कर रहा है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, हैं मतलब मुझे हंसी आती है ऐसे कमेंट देख देख के, मतलब इनसे मिलो, ये नादान है, सच में नादान हो भाई। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, इन्हें कोई टेंशन ही नहीं है कब पेपर स्टार्ट है कब पेपर स्टार्ट नहीं है, ये तो बस नाम देखते हैं, नाम कौन से नाम से ऐसी वाइब्स आ रही है अंदर से, ऐसी फील आ रही है जो कमेंट लिखने पर मजबूर कर देती है, जिसका नाम थोड़ा ठीक सा लिखता है ना, इन्हें मतलब नहीं है कौन है क्या नहीं है। चलिए शालू आज के टाइम में लड़का भी होती है, शालू आज के टाइम में लड़की भी होती है, तो संभल जाना थोड़ा सा, है ना, कभी जिसकी तुम तलाश में घूम रहे हो वो भी उसी तलाश में घूम रहा हो और उसे ही मैसेज कर दो। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, ये लो यहां मिलो, यहां भी मिलो, टॉम जो है वो जेरी का पीछा कर रहा है, जितने समय में टॉम 8 छलांग लगाता है,
टॉम 8 छलांग लगाता है, ये टॉम जो है ये कुत्ता है और जेरी जो है ये बिल्ली है, है ना। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, जितने समय में टॉम 8 छलांग लगाता है उतने ही समय में जेरी 6 छलांग लगाती है, यानी जेरी जो है वो थोड़ी सी कम एक्टिव है, जेरी जो है वो थोड़ी सी कम एक्टिव है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, परंतु टॉम जितनी दूरी 7 छलांग में तय करता है, जितनी दूरी 7 छलांग में तय करता है उतनी ही दूरी जेरी 5 छलांग में तय कर लेता है, ठीक है भैया। तो टॉम तथा जेरी की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, टॉम तथा जेरी की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो टॉम तथा बेटा चालों का अनुपात निकालना है तो बिना कुछ सोचे समझे दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 8 × 5 = 40 जो है वो टॉम की गति आ जाएगी और 7 × 42 जो है वो किसकी गति आ जाएगी, वो जेरी की गति आ जाएगी। अगर मैं यहां से पूछता हूं 2 से काटता हूं 20 बार कटेगा, 2 से काटता हूं तो 21 बार कटेगा, तो दोनों की चाल का रेशो क्या हो जाएगा, दोनों की चाल का रेशो 20:21 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाहता है भाई क्वेश्चन ये कहना चाहता है मेरे दोस्त कि एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया, ठीक है। तो बेटा ये मत पूछो क्रॉस क्यों किया है आज, है ना, आज ये क्रॉस वाला नहीं पूछ रहा, क्रॉस क्यों किया है कभी डिटेल में बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, गहन चर्चा क्या करेंगे कभी डिटेल में। एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया, यानी एक व्यक्ति है वो यहां गया, ए से बी तक गया, 60 किलोमीटर की यात्रा की है और फिर जो है वो वापस आ गया है, यानी वापस भी 60 किलोमीटर आया है, ठीक है। उसके द्वारा वापस आने में लगा समय जाने में लगे समय से आधा घंटा अधिक था, यानी जाने में जितना समय लग रहा है उससे आने में आधा घंटा अधिक लग रहा है, तो आने में उसकी चाल जो होगी वो धीमी होगी, ये बात क्लियर है। वापस आने के दौरान उसकी चाल जाने के दौरान उसकी चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी, यानी अगर मैं कहूं कि जाने में लगने वाली चाल उसकी S थी तो आने में लगने वाली चाल उसकी S-10 होगी भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। क्या दोनों की चालों का अंतर जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे का है और समय में अंतर कितने का है, दो आधे घंटा अधिक था, यानी आधे घंटे का गैप आ रहा है, तो क्या ये दूरी का फॉर्मूला आ जाएगा। मैं बता के आया हूं, करोड़ों बार मैंने ये बात बताई है, अगर कभी भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिख जाए आधा घंटा कम आधा घंटा ज्यादा, 2 घंटे कम 20 मिनट लेट 20 मिनट पहले, ये लैंग्वेज जो होती है वो इशारा करती है कि आप इस क्वेश्चन को फटाफट से देख लो, इस क्वेश्चन को फटाफट से आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो उसने कहा है जाने के दौरान उसकी चाल क्या थी, जाने के दौरान जो है दूरी कितनी दे रखी है 60, तो जाने के दौरान है ये वाली चाल, आने के दौरान है ये वाली चाल, तो क्या ये जाने के दौरान के ऑप्शन है, तो जाने के दौरान उसकी चाल 36 मान लेता हूं, 36 में से 10 गया तो 26 बचेगा, अपॉन में 10 दुनी 20 आएगा, क्या कटपिट के 60 देगा, बिल्कुल नहीं देगा तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी जो जाने की चाल 30 मान लेता हूं, आने की चाल 30 में से 10 गया 20 आएगा, 10 दुनी 20 होगा, क्या जाने की चाल जो क्या 60 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा है, ये भी जवाब नहीं होगा। मैंने इसकी जाने की चाल 40 मान ली, 40 में से 10 गया, आने की चाल 30 होगी, बटे में 10 होगा, गुणा में 1/2 होगा, तो यहां से देखेंगे 15 × 60 बिल्कुल सही है, यानी कि जाने की गति कितनी है मेरे दोस्त, जाने की गति जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई, बहुत शानदार। तो इसमें आपसे जाने की गति पूछ सकता था, आने की गति पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है,
ठीक है भाई, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा, जिसे जाना है वो जाओ, है ना। क्लास मैंने बता दिया है कब तक चलेगी, तब तक प्रैक्टिस कराऊंगा जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे, तब तक प्रैक्टिस कराऊंगा जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक 11 बजे तक, है ना। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अभी ये क्लास ठीक एक घंटा चलेगी। सर बीड़ी पिला दो ले बीड़ी पी ले भाई, हम तो बीड़ी पिला देंगे, क्यों दिक्कत ले रहा है, कहाँ है रे बीड़ी वाला, बीड़ी पी रहा है, एक बीड़ी मांग रहा है भाई, बीड़ी पिला दो इस अज्जू सिंह को, थोड़ा सा बीड़ी पिला दो, ले भाई बीड़ी पी ले, हम तो बीड़ी पिला देंगे, खुश रहे बस तू, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 ये कहना चाह रहा है कि ए और बी एक साथ चलना शुरू करते हैं और क्रम से एक्स और वाई स्थान से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ए और बी जो है एक्स और वाई स्थान से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, ए और बी जो है एक्स और वाई स्थान से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है भाई। उसने कहा है मार्ग में एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे से मिलने के बाद ए और बी को क्रम से वाई और, भाई साहब क्वेश्चन रिपीट है, वाई को यहां पहुंचने में 3.2 घंटे का समय लगता है और एक्स को यहां पहुंचने में 1.8 घंटे का समय लगता है। यदि बी की चाल 12 दी हुई है तो ए की चाल आपसे पूछा है, रिलेशन लगा देना S1/S2√ के अंदर T2/T1, मिलने के बाद का समय दिया हुआ है। पहले की चाल नहीं पता है, दूसरे की चाल 12 है, दूसरे का समय कितना है 1.8 है, पहले का समय 3.2 है, 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 16 बार कट जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से काटिए, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 आ जाएगा, पहले की चाल कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बिना सोचे समझे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों की सेवा में है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक व्यक्ति जो है वो 600 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1000 किलोमीटर की यात्रा जलयान द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 500 किलोमीटर की यात्रा वायुयान द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो कुल दूरी की औसत चाल का 60% क्या होगा। 60% क्या होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही आप लोगों से पूछा गया है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, आप लोगों का जो है वो आप लोगों का ब्याज नहीं हुआ है, ब्याज की किस्त नहीं हुई है, तो किस्त की एक वीडियो जो है वो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जस्ट क्लास खत्म होने के बाद। जो एप्लीकेशन की एक क्लास थी जिसमें मैंने दोनों की किस्तों के क्वेश्चन कराए थे, दोनों की किस्तों के क्वेश्चन या कोई दूसरी क्लास जो किस्त के क्वेश्चन करा रखे होंगे वो मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उस क्लास को दोस्त वहां से कर लेना, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत होना क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लास में करा चुका हूं उन चीजों को, तो बिल्कुल आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ टेलीग्राम पे ही कह रहा हूं मैं, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा, बेटा औसत चाल पूछा है, औसत चाल होता है कुल दूरी, पहली दूरी कितनी है 600 किलोमीटर है, पहली दूरी कितनी है 600 किलोमीटर है, दूसरी दूरी कितनी है 1000 किलोमीटर है, दूसरी दूरी कितनी है 1000 किलोमीटर है, आगे अगर मैं बात करता हूं तीसरी दूरी कितनी है तो आप कहेंगे 500 किलोमीटर है, तीसरी दूरी कितनी है 500 किलोमीटर है, और चौथी दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है, चौथी दूरी 100 किलोमीटर दे रखी है, कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए ध्यान से, अगर दूरी को चाल से डिवाइड करूंगा तो 75 अट्ठे कितने होते हैं 600, तो यहां 8 घंटे का समय लगेगा,
1000 को 50 से डिवाइड करूंगा तो बेटा 20 घंटे का समय लगेगा। आगे के 500 को किससे डिवाइड करूंगा, 500 400 से डिवाइड करूंगा तो यहां से देखेंगे 500 5 बटे 4 घंटे का समय लगेगा। और आगे बढ़ता हूं 100 किलोमीटर की दूरी, यहां 2 घंटे का समय लगेगा, तो ये औसत चाल निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखना भाई 1600 और 500 2100 और 100 2200 हो जाएगा, हो गई 2200। 20 और 8 28 दो 30, 30 चौका 120, 120 और 5 125 बटे 4 आ जाएगा, आ जाएगा काटा पीटी मचाओ 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 25 पंजे 125 हो जाएगा। यानी कि ये जो है आपके सामने औसत चाल आ गई। आपसे औसत चाल नहीं पूछी है, आपसे पूछा है औसत चाल का 60% कितना होगा, यानी वो आपसे इसका 3/5 पूछना चाह रहा है। औसत चाल का 60% क्या होगा, औसत चाल का 60% बच्चे वो 3/5 पूछना चाह रहा है। तो फटाफट सॉल्व करो कितना आएगा, यहां से देख लो मेरे दोस्त, कुछ कट पिट रहा है नहीं, 4 3 12 12 अट्ठे 96 कुछ है हासिल, 9 12 अट्ठे 96 96 और 9 105 हो जाएंगे। 25 से डिवाइड करिए, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 5 बचेगा 56, 25 दूनी 50, 6 बचेगा 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 42.24। यानी कि टोटल जो है औसत चाल, टोटल जो है औसत चाल का 60% निकालना है तो मेरे दोस्त हम लोग 3/5 निकाल देंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने है, आपकी सेवा में हाजिर है। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे दोस्त। हाँ, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भैया पटाखे ला दो। हाँ पटाखे लाऊंगा ना, पटाखे लाऊंगा मेरे दोस्त, आप सिलेक्शन लो और वहीं मिलके जो है पटाखे छोड़ेंगे, है ना, सिलेक्शन लो, सम्मान समारोह में पटाखे ही तो छोड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, सूरज दोपहर 2 बजे बिंदु क्यों से अपनी यात्रा शुरू करता है। भाई 2 बजे बिंदु क्यों, यहां 2 बजे है और क्यों से अपनी यात्रा शुरू करता है, शुरू करा दी इससे। वह यात्रा के पहले 3 घंटों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे से कार चलाता है, यानी चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने घंटे तक चलाता है 3 घंटे तक। तो अगर चाल की गुणा समय में कर दूं तो क्या आप कह सकते हो 120 किलोमीटर जो है उसने कार चलाई होगी। शेष यात्रा, आगे आ जाओ, शेष यात्रा यहां ए पर पहुंच चुका है, शेष यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करता है, पूरी करता है शेष यात्रा जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा पूरी करता है, बहुत शानदार बात है। यहां 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, यहां 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यदि राहुल बिंदु क्यों से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शाम 6 बजे सूरज की ओर बढ़ना शुरू करता है तो वह कितने बजे तक सूरज के पास पहुंच जाएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। भाई राहुल यहां से चलना है, चालू करता है, राहुल यहां से चलना चालू करता है तो आप एक बात बताइए, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। और वह कितने बजे, ये कितने बजे चलना चालू करता है, 6 बजे चलना चालू करता है। अब आप एक बात मुझे बताइए, ये कितने बजे चला था, ये जो है वो 2 बजे चला था। अब 3 घंटे तक तो ये चल चुका है मेरे दोस्त 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 120 किलोमीटर की दूरी हो चुकी है। अभी 1 घंटा और चला है, 1 घंटा ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है तो 30 किलोमीटर की दूरी उसने यहां तय कर ली है, यानी कि वो टोटल 150 किलोमीटर आगे पहुंच चुका है शाम 6 बजे तक, 6 बजे तक वो 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने समय बाद मिलेंगे तो समय बराबर होता है दोनों के बीच की दूरी जो कि 150 किलोमीटर है अपॉन सापेक्ष चाल,
भाई इसकी गति कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कितने की गति से अब चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, तो 80 में से 30 गया तो क्या इनकी सापेक्ष चाल 50 आ जाएगी, इनकी सापेक्ष चाल जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। यानी कि मेरे दोस्त अब ये जो मिलेगा सूरज जो मिलेगा राहुल को, सूरज जो मिलेगा राहुल को वो 3 घंटे बाद मिलेगा, यानी कि राहुल ने 6 बजे चलना चालू किया था तो 3 घंटे बाद मिलेगा, तो रात 9 बजे जो है वो सूरज मिल रहा होगा। ठीक है, शुरू के 3 घंटे बस वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला है, वरना उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। ये 2 बजे चलता था, ये 6 बजे चलता है, तो 4 घंटे पहले चल चुका होगा, तो 3 घंटे में तो उसने 120 किलोमीटर दूरी तय कर ली और अगले 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, यानी इन दोनों के बीच फासला 6 बजे तक 150 किलोमीटर का हो चुका होगा। अपौन में सापेक्ष चाल आएगी, इसकी गति 80 है, इसकी अब की गति 30 है, दोनों का डिफरेंस क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, दोनों का डिफरेंस 50 आएगा, यानी 3 घंटे बाद ये सूरज पकड़ा जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर ये 6 बजे चलता है तो 3 घंटे बाद का मतलब है ये 9 बजे उसे पकड़ रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। 50 स्पीड कैसे बेटा, सापेक्ष चाल आएगी ना, यहां देखो इसकी गति 80 है, ये भी चल रहा है 30 की गति से, तो दोनों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। 50 यहां से आया, 40 क्यों नहीं ली, 40 बस शुरू के 3 घंटे चलता है, वो यहां तक खत्म हो चुकी थी, अब जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। ठीक है, सापेक्ष चाल इसलिए लगी क्योंकि दोनों चल रहे हैं, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, इसलिए सापेक्ष चाल लगी है। क्वेश्चन ने कहा है कि मोनिका ने अपने दादा दादी से मिलने के लिए एक अविराम फ्लाइट ली, 650 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटे 30 मिनट का समय लगा, खराब मौसम के कारण वापसी की यात्रा में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगा, तो दोनों तरफ की यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, क्या दूरी बराबर है दोनों केस में। तो आप कहेंगे जी दूरी तो बराबर है, तो अब आप एक बात मुझे बताइए कि दूरी औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी, क्या वो गया होगा 650 किलोमीटर, तो आई भी 650 किलोमीटर ही होगी, तो कुल दूरी जो है वो 650 और 650 1300 आ चुकी है, जाने में लगा 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा और आने में लगा 2.5 घंटा, 2.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 4 घंटे हो जाएंगे, क्या यही हो जाएगा। अब यहां से मेरे दोस्त आप देखेंगे 650 और 650 1300 हो जाएगा, और कितना समय लगता है 4 घंटे, 4 × 3 = 12 होगा, 13 × 4 = 8, 4 × 5 = 20, क्या औसत चाल जो है वो 325 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, हो जाएगी क्या 325। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एसएससी एमटीएस का एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे जवाब देना मेरे दोस्त। सर आप खील बांटने कब जाओगे, हाँ शाम को जाएंगे, ये काम करते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई, ग्रुप में नहीं हो तो दे दूंगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन कर दूंगा, इंस्टा पे मांग लेना, टेलीग्राम पे मांग लेना, दे दूंगा मैं उस क्लास को। चलिए मेरे दोस्त फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एक व्यक्ति को एक स्थान तक पैदल चलकर जाने और वहां से पैदल चलकर वापस आने में 20 घंटे लगते हैं, यानी कि मेरे दोस्त जाने में उसे 20 घंटे, ठीक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 1-2 घंटे में लिंक मिल जाएगा,
ठीक है, 20 घंटे जाने में लगते हैं, 20 घंटे आने में लगते हैं, 20 घंटे लगते हैं जाने और पैदल, अच्छा 20 घंटे टोटल लगते हैं जाने और वापस आने में, 20 घंटे टोटल लगते हैं जाने और वापस आने में, यानी आप समझ गए हैं गया होगा 10 घंटे में, वापस भी 10 घंटे में ही आया होगा क्योंकि बराबर दूरी तय कर रहा है और दोनों तरफ से पैदल ही जा रहा है। ठीक है दोस्त, वह दोनों ओर गाड़ी से जाकर 4 घंटे का समय बचा सकता था। अगर वो गाड़ी से जाता है 4 घंटे का समय बचा सकता था, यानी कि अब 16 घंटे लगते, फिर एक तरफ से 8 घंटे का समय उसे लग रहा होता। ठीक है, पूरी यात्रा में तय की गई दूरी 36 मील है, यदि वह पैदल चलकर जाता और गाड़ी से वापस आता तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए क्या हो जाएगा। पूरी यात्रा में तय की गई दूरी 36 मील है मेरे दोस्त, द डिस्टेंस कवर्ड इन द एंटायर जर्नी, यानी एक तरफ की दूरी कितनी है 18 किलोमीटर है, दूसरी तरफ की दूरी कितनी है 18 किलोमीटर है। ठीक है भाई, अब देखो जाता किस गति से है, यदि वह पैदल चलकर जाता है तो 18 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में तय करता है, 10 घंटे में तय करता है, और यदि वह गाड़ी से वापस आता है तो 18 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करता है। तो टोटल समय क्या हो जाएगा भाई, औसत चाल ही तो आप लोगों को निकालनी है, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल कितनी दूरी तय की गई, तो 18 गया 18 वापस आया तो 36 किलोमीटर की दूरी तय की गई होगी। अच्छा कुल समय कितना लगा होगा, जब गया है तो पैदल गया है यानी कि 10 घंटे लगे होंगे, और जब आया है तो कार से आया है यानी कि 8 घंटे का समय लगा होगा, यानी कि टोटल जो समय लगा होगा वो 18 घंटे का समय लगा होगा, यानी कि औसत चाल जो आ जाएगी वो 2 मील प्रति घंटा आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, तो आप लोग कहेंगे 2 मील प्रति घंटा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये क्वेश्चन आपसे CHSL में पूछा गया था, जहां आप लोगों को कंक्लूजन टाइप में क्वेश्चन दिए थे, है ना, जल्दी से बताइए। हाँ ये 12 दिन वाली ही मैराथन है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बच्चे, 8 घंटे कैसे आया, बेटा देखो 4 घंटे का समय बचा सकता है, पहले आने और जाने में 20 घंटे का समय ले रहा था, तो अब 4 घंटे का समय बचा सकता है, यानी अब उस दूरी को वो 16 घंटे में तय कर लेगा, 20 में से 4 गए 16 घंटे में तय कर लेगा, और जब वो उस दूरी को आने और जाने के समय जो ले रहा है वो 16 घंटे का ले रहा है, तो मेरे दोस्त एक तरफ से समय उसने 8 घंटे का लिया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 32, एक बार जल्दी से देखेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि दो स्थान B1 और B2 एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर है, यहां B1 है और इससे 500 किलोमीटर दूर जो है वो B2 है, यहां B1 है इससे 500 किलोमीटर दूर जो है वो क्या हो जाएगा, वो B2 दिया हुआ है। सोनी तो रॉबिन एक ही समय पर B1 से B2 की ओर गति करना शुरू करते हैं, यहां से दोनों गति करना शुरू करते हैं, B2 पर पहुंचने के बाद वे वापस B1 पर लौट आते हैं, सोनित की चाल रॉबिन से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये सोनित है ये रॉबिन है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यदि वे 6 घंटे के बाद मिलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए थोड़ा ध्यान से भाई, किसकी गति ज्यादा है, रॉबिन से 80 किलोमीटर ज्यादा है, रॉबिन एस चाल से चलता है तो ये एस प्लस 80 किलोमीटर की चाल से जाता है। आप एक चीज छोटी सी समझिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, अगर इसकी स्पीड तेज है तो वो यहां जो है वो पहले पहुंचेगा, और पहले पहुंचने के बाद वापसी में यहां कहीं जो है सी पॉइंट पर ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे। ठीक है भाई, अब देखिएगा मेरे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि यहां से यहां तक 6 घंटे में अगर मैं पूछूं कि ये दोनों मिले कब होंगे, तो रॉबिन से 80 किलोमीटर अधिक है, तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, 6 घंटे बाद मिल रहे हैं, तो ये कितना चला होगा रॉबिन, ये रॉबिन है, रॉबिन कितना चला होगा बेटा 6 घंटे में, ये 6S हो जाएगा क्या, 6 घंटे बाद मिल रहे होंगे, तो 6 घंटे में उसने ये दूरी तय की होगी, 6 घंटे में उसने ये दूरी तय की होगी।
एक बार देखना भाई रोबिन की चाल 120/3। हाँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है थोड़ा सा समझिए दोस्त, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। दो स्थान B1 और B2 एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर हैं। सोनित और रोबिन एक ही समय पर B1 से B2 की ओर गति करना शुरू करते हैं। B2 पर पहुंचने के बाद वे वापस B1 पर लौट आते हैं। सोनित की चाल रोबिन से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता है। यदि वे 6 घंटे के बाद मिलते हैं, यदि वे 6 घंटे के यानी 6 घंटे में जितनी रोबिन ने यहां से यहां तक की दूरी तय की होगी उतनी ही सोबिन ने 6 घंटे में यहां से यहां तक की दूरी तय कर ली होगी। ठीक है भाई, अब बात को थोड़ा सा समझना, उतनी ही दूरी, उतनी दूरी उसने यहां से यहां तक तय की होगी। कैसे है? नहीं, क्वेश्चन आउट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन आउट नहीं होगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन कैसे आउट हो जाएगा थोड़ा सा देखते हैं। अगर चाल समय तो दोनों का बराबर होगा, दोनों के बीच की दूरी 500 है, ठीक है, हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 6 घंटे हैं, 6 घंटे बाद मिल रहे हैं, तो ये 6 घंटे में यहां से यहां पहुंचा होगा, तो अगर ये d डिस्टेंस मान लेता हूं तो ये 500 माइनस d हो जाएगी। बेटा अच्छा ये बताओ कि ये 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगा? तो आप कहेंगे s से चलता है तो 6 घंटे में इतनी दूरी तय कर देगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगा, ये तय कर देगा। इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो ये होगी, ये तो 6s है, और इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो एक तो टोटल दूरी होगी, टोटल दूरी होगी मेरे दोस्त, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, s प्लस 80 गुणा 6, ये टोटल दूरी हो गई है, ये टोटल दूरी है और ये भी है, तो इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे? गड़बड़ आ रही है कुछ, कहीं गड़बड़ आ रही है मेरे दोस्त, क्वेश्चन दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। दो स्थान है B1 और B2 एक दूसरे से 500 किलोमीटर, नहीं, एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर है। नहीं, ऐसे नहीं। यदि वे 6 घंटे बाद मिलते हैं, एक की गति s है, एक, अच्छा, तो 6 घंटे में तय की गई दूरी, नहीं, अगर हम यहां से एक चीज देखें मेरे दोस्त, देखो, हाँ, एक बार देखते हैं, ये B1 है बिंदु और ये क्या है, ये B2 बिंदु है, और दोनों के बीच का फासला कितना है, 500 किलोमीटर है। यहां से कौन चलता है, एक रोबिन है, एक सोनित है। शुरू करते हैं, B2 पर पहुंचने के बाद वे वापस B1 पर लौट आते हैं। सोनित की चाल रोबिन से 80 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है, रोबिन से है, तो रोबिन की एस है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, एस प्लस 80, यानी एक घंटे में ये 80 किलोमीटर फालतू चलता है, एक घंटे में ये 80 किलोमीटर फालतू चलता है। बेटा ध्यान से सुनना, एक घंटे में ये 80 किलोमीटर फालतू चल रहा है, तो 6 घंटे में कितने फालतू चल चुका होगा, तो आप कहेंगे 480 किलोमीटर फालतू चल चुका होगा, ये 480 किलोमीटर फालतू चल चुका होगा। अब ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्लियर, 480 किलोमीटर फालतू चल चुका होगा। रोबिन तो यहां से यहां आया है और सोनित ने क्या किया है, तेज चल रहा है, सोनित यहां से यहां आके वापस से ये दूरी तय कर ली है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सोनित ने कितनी दूरी एक्स्ट्रा तय कर ली है, तो आप कहेंगे सोनित ने ये दूरी एक बार जाने में, एक बार वापस आने में, ये दूरी जो है वो रोनित से एक्स्ट्रा तय कर ली है। क्या यही है इस बात का मतलब? अगर ये 480 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय कर रहा है तो क्या 240 किलोमीटर गया होगा और 240 किलोमीटर ही वापस आया होगा? 240 किलोमीटर गया होगा और 240 किलोमीटर ही वापस आया होगा। हो गया क्वेश्चन, 500 में से 240 घटा दो, ये 260 हो जाएगी। अब देखिए बेटा उसने क्या कह रहा है, सोनित द्वारा तय की गई दूरी 600 किलोमीटर है, बिल्कुल नहीं है, 500 और 240 740 किलोमीटर की दूरी तय की है।
सोनित ने 740 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो ये तो बिल्कुल जवाब नहीं होगा। यहां देखिए रोबिन की चाल इतनी है, तो रोबिन जो है वो 260 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने घंटे में तय करता है, 6 घंटे में, तो 130 बटे 3 आ जाएगी, ना कि 120 बटे 3 आएगी, तो ये भी गलत जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना तो ए होगा और ना ही सेकंड होगा। ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं, कुछ बच्चों को नहीं आई होगी समझ में। यहां से दो व्यक्ति चलते हैं, एक रोबिन है और एक सोनित है, ठीक है। यहां से चलते हैं और यहां तक जाने के बाद वापस आते हैं, ये B1 है, ये B2 है। ये व्यक्ति जो है इससे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज चाल से चलता है, अगर ये S से चलता है। तो अगर ये तेज चलता है तो सोनित ही सबसे पहले यहां पहुंचा होगा, और यहां वापस आता हुआ यहां कहीं जो है वो रोबिन से मिला होगा। यानी रोबिन ने जो केवल दूरी तय की वो ये वाली दूरी तय की, और सोनित ने जो दूरी तय की वो यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां वापस आया, तो क्या ये वाली दूरी सोनित ने तय की है? ठीक है। अब उसने कहा, एक बात मुझे बताओ, 6 घंटे बाद मिलते हैं, तो यहां भी ऐसे यहां भी ऐसे, अगर मैं सोनित की चाल देखूं तो 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर फालतू चलता है, तो 6 घंटे में दोस्त 480 किलोमीटर फालतू चलेगा। यानी सोनित ने जो दूरी तय की होगी वो 6 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। तो मेरे दोस्त, सोनित ने फालतू कौन सी दूरी तय करी है? एक तो गया वो फालतू है, एक वो आया फालतू है, ये दोनों दूरी मिला के 480 है। तो बेटा गया 240 होगा, आया भी 240 होगा, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गई दूरी। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं टोटल दूरी 500 थी, 500 में से 240 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 260 हो जाएगी। तो उसने कहा है सोनित टोटल दूरी 600 किलोमीटर की तय करता है, तो आप कहेंगे 500 और 240 740 किलोमीटर की तय करता है, पहला तो इसलिए गलत है। रोबिन की चाल, रोबिन ने टोटल 260 किलोमीटर की दूरी तय की है 6 घंटे में, तो इसकी चाल हो जाएगी 130 बटे 3, जबकि उसने 120 बटे 3 दी है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 33। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं ए और बी, और प्रातः 10:30 बजे एक दूसरे से 200 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये ए पॉइंट है और यहां पर क्या है, ये बी पॉइंट है। 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं, यानी दोनों के बीच का फासला है 220 किलोमीटर। ठीक है, 30 मिनट के बाद ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी की ओर बढ़ना शुरू करता है, जबकि दोपहर 12 बजे बी ए से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूर जाना शुरू करता है। ये क्या बवाल लिखा हुआ है? वे अगले दिन कितने बजे मिलेंगे वो कहना ये चाह रहा है। ध्यान से सुनिए बेटा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक पास जा रहा है एक दूर भाग रहा है। देखिए ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, इसके बाद रेलगाड़ी चालू करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन रेलगाड़ी के कराऊंगा। ध्यान से सुनना, दो व्यक्ति हैं ए और बी, प्रातः 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं, एक यहां है एक यहां है, प्रातः 10:30 बजे 30 मिनट के बाद ए 40 किलोमीटर, 30 मिनट के बाद यानी कि 11 बजे जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना चालू करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना चालू करता है, गति से बी की ओर बढ़ना चालू करता है, बी की ओर बढ़ना चालू कर दिया, जबकि दोपहर 12 बजे, जबकि दोपहर 12 बजे, मेरे दोस्त एक बात मुझे बताओ, अगर ये 11 बजे इसने चलना चालू किया है तो बेटा 12 बजे तक ये 40 किलोमीटर चल चुका होगा, यानी ए जो है वो यहां आ चुका है और 40 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, और समय कितना बज चुका है, समय 12 बज चुके हैं। ठीक है भाई, अब इनके बीच का फासला कितना होगा, 180 किलोमीटर का होगा, कितने 220 में से 40 गया तो 180 किलोमीटर का फासला होगा। ठीक है, 12 बजे बी जो है वो
ए से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूर जाना शुरू कर देता है। दूर जाना मतलब ये इधर जाना शुरू कर देता है। बी कितने की गति से? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इधर जाना शुरू कर देता है, जबकि ए जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इधर ही चल रहा है। तो वो कह रहा है वे अगले दिन कितने बजे मिलेंगे, तो समय आपसे पूछना चाह रहा है। तो समय बराबर होता है दोनों के बीच फासला कितने बजे, कितने किलोमीटर का है? 180 का। दोनों की सापेक्ष चाल, जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। तो 40 में से 30 गया तो 10 हो गया, यानी कि 18 घंटे बाद जो है वो बी को पकड़ लेगा। 18 घंटे बाद, यहां से 12 बजे से लगाइए, 12 बजे से रात के 12 बजे तक 12 घंटे हो गए, और अगले दिन सुबह के 6 बजे तक जो है ये 18 घंटे कवर हो जाएंगे। तो सुबह को 6 बजे जो है वो बी को पकड़ लेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ये बात आपके समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी ये बात जो है वो समझ में आ चुकी है। एक बार मेरे दोस्त ये दो क्वेश्चन आपके बचे हैं, दोनों के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त। 34वां क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा, 34वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट है, एक एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, 35वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, आगे बढ़े। देखो बेटा, जहां 25 मिनट अधिक 10 मिनट पहले, तो फॉर्मूला याद रखना कौन सा लगना है, है ना, जो चीज आपको पढ़ाई है। अब जो है इसके बाद जो है वो ट्रेन नाम का टॉपिक है, केवल जो है वो 10 से 12 क्वेश्चन है, और हम लोग 11:15 तक उन क्वेश्चंस को दोस्त हम लोग कर लेंगे, है ना। मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं मेरे दोस्त, जितने भी टाइप बन सकते थे आप लोगों के समय तथा दूरी से, वो मैं दोस्त कॉन्सेप्ट आप लोगों को करा चुका हूं। एक बार ट्रेन में आप लोग ये समझ लीजिए, बस थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है, जैसे किसी खंबे को पार कर रही हो, जैसे किसी पोल या किसी टावर को पार कर रही हो, या किसी पेड़ को पार कर रही हो, या किसी व्यक्ति को पार कर रही हो, तो उसे पार करने में लगने वाला समय क्या होता है? ट्रेन की लंबाई अपॉन ट्रेन की चाल, ठीक है भाई। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार कर रही हो जिसकी अपनी खुद की कोई लंबाई हो, जैसे प्लेटफॉर्म को, जैसे खड़ी हुई ट्रेन को, जैसे पुल को, जैसे सुरंग को, जब इनको पार करती है तो उसे पार करने में लगने वाला समय जो होता है वो ट्रेन की, दोनों की लंबाई अपॉन चलने वाले ट्रेन की चाल। ये बात आप समझ गए। जब भी दोस्त दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों ट्रेनों की लंबाई अपॉन सापेक्ष चाल, अगर विपरीत दिशा में है तो दोनों की चालों का योग, अगर सेम दिशा में है तो दोनों की चालों का अंतर हो जाएगा। जब भी मेरे दोस्त अगर किसी ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है और तेज चलने वाली ट्रेन उसे पार कर रही है, तो जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी लंबाइयों को हम नहीं लेंगे, जो ट्रेन पार कर रही है उसकी लंबाई अपॉन सापेक्ष चाल आ जाएगा। ये 4-5 कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों के किसके अंदर? ट्रेन के अंदर मेरे दोस्त, ये 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, पिछला क्वेश्चन में 4 AM होगा, नहीं 4 AM क्यों होगा बताओ मुझे, क्यों होगा 4 AM? यहां 12 बजे पहुंचा है ना, 12 बजे ही तो इससे दूर जाना स्टार्ट किया है इसने, अगर 12 बजे इससे दूर जाना स्टार्ट किया है तो यहां के 18 घंटे बाद इन दोनों का मिलन होगा, ठीक है भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। मात्र 30 मिनट की क्लास बची हुई है, आप लोग फटाफट आंसर दे दीजिए, और ये लाइक की संख्या जो है वो 5000 पहुंच जानी चाहिए, है ना। लास्ट के 2-3 मिनट बात करेंगे क्या हम लोगों ने पिछले हमारे 2.5-3 महीने का सफर रहा, और 2.5-3 महीने में हमने क्या सीखा, और अब आप लोगों को क्या करना चाहिए लास्ट मोमेंट पे, वो थोड़ा जो है लास्ट के 2-3 मिनट में बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। देखिए,
240 मीटर लंबी ट्रेन 28 सेकंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की चाल पूछी है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी क्या है? दोनों ट्रेनों दोनों वस्तुओं की लंबाई। 240 और 250 कितना हो जाएगा? 490 मीटर हो जाएगा। अपॉन क्या है? समय। समय कितना है? 28 सेकंड। यहां से आप आंसर देख पा रहे होंगे मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन आंसर जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में मांगा है। तो क्या यहां आप 18 बटे 5 की गुणा कर देंगे? तो मेरे दोस्त 7 से काटिए, 7 49 जीरो हो जाएगा, 7 चौक 28 होगा, 2 नाम 18 होगा, 2 दुनी 4 होगा, 2 नाम 18 2 दुनी 4, 2 से काटेंगे 35 बार और 5 से 7 बार कटेंगे तो 9 7 63 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। यानी वो ट्रेन जो चल रही होगी वो कितने की गति से चल रही होगी? तो आप कहेंगे वो 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही होगी। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, क्या कहना चाह रहा है? एक 700 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को 35 सेकंड में पार करती है, तो क्या आप ट्रेन की चाल मुझे बता सकते हो? ट्रेन की लंबाई कितनी है? 700 मीटर है। पोल को पार करने में लगने वाला समय कितना है? 35 सेकंड है। तो ट्रेन की चाल कितनी आएगी? 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। 740 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? समय पूछा जा रहा है। कौन पार कर रहा है? तो आप कहेंगे ट्रेन पार कर रही है, उसकी लंबाई कितनी है? 700 है। किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, उसकी लंबाई कितनी है? 740 है। बेटा चाल कितनी है? तो आप कहेंगे 20 है। तो दूरी को अगर चाल से डिवाइड करेंगे तो मेरे दोस्त आपके पास समय आ जाएगा। तो 840 बटे 20 आएगा मेरे दोस्त। यहां से अगर यहां मैं देखूं तो जीरो से जीरो, तो आप कह सकते हैं कि 72 सेकंड का समय लगेगा। कितने सेकंड का? तो आप कहेंगे 72 सेकंड का समय लगेगा। कितने सेकंड का लगेगा? 72 सेकंड का। और 72 सेकंड का मतलब आप लोग जानते हैं 1 मिनट 12 सेकंड होता है। 1 मिनट 12 सेकंड होता है 72 सेकंड का मतलब। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए। आवर्त दशमलव बता के जाऊंगा, है ना, रिकरिंग डेसिमल आप लोगों को बता के जाऊंगा, जिसपे लास्ट टाइम 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एक बार उसे बता के जाऊंगा। थोड़ा सा 5-7 मिनट 8 मिनट का टॉपिक है दोस्त, है ना। और वो सारे क्वेश्चंस जो आप लोग सोच रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2020 के क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, तो वो मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में करा रखे हैं, जो पहले प्रैक्टिस सेट हुए थे, तो उसमें वो सारे क्वेश्चन दोस्त उठाए हुए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। रेलगाड़ी किसी स्थित वस्तु को 25 सेकंड में पार करती है, यदि रेलगाड़ी की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है तो रेलगाड़ी की लंबाई, बड़ा आसान सा है, रेलगाड़ी की लंबाई की बात कर रहा है, यानी वो दूरी की बात कर रहा है, दूरी ही तो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, और चाल कितनी है मेरे दोस्त? 25 मीटर पर सेकंड है, और समय कितना है? 25 सेकंड का दिया हुआ है। सेकंड से सेकंड उड़ा दोगे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आएगी? छुटकू सा क्वेश्चन था, अगर पेपर में देखने को मिल जाए तो आपसे बेहतर कौन है फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 को एक बार देखिए, क्या कहना चाह रहा है देखिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने कहा एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो पहले ट्रेन की चाल का दूसरी ट्रेन की चाल से अनुपात क्या है? छुटकू सा क्वेश्चन है।
पहली ट्रेन की चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। बस वो आपसे ये कराना चाह रहा है कि भाई साहब ये चाल जो है वो 25 मीटर पर सेकंड है, तो कन्वर्जन पहला जरूरी है, रेशो बाद में निकालना, पहले कन्वर्जन जरूरी है। तो इस मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हो तो क्या आपको 5/18 से गुणा करनी होगी। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हो तो 18/5 से आपको गुणा करनी होगी। इसमें 18/5 की गुणा कर दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटे से ये गया, 5 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 18 से काटोगे 6 बार कटेगा, क्वेश्चन का जवाब 6/5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था दोस्त, इस पे आइएगा थोड़ा। क्वेश्चन महोदय क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन महोदय क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने है। हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को एक समान चाल से 5 घंटे में तय करती है। एक समान चाल से कितने घंटे में तय करती है, 5 घंटे में तय करती है। यदि वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 10 मिनट कम समय लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल कितनी है। क्या उसी दूरी की बात कर रहा है, यानी दोनों ही केस में दूरी समान है, तो जब दूरी समान होती है तो जो समय का अनुपात होता है उसी का उल्टा जो है वो चाल का अनुपात होता है। क्या ये बात आप लोग जानते हैं, पहले वो उस दूरी को कितने घंटे में तय कर रही थी, तो आप कहेंगे 5 घंटे में। यदि वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देती है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 10 मिनट कम लेती है, उस रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो इससे तो नहीं होगा भाई, दोनों जगह तो रेशो नहीं दिया हुआ है, दोनों जगह तो रेशो नहीं दिया हुआ है, तो भाई इसे तो ऑप्शन से कर लो, एक बार ऑप्शन उठा लो, क्या दिक्कत है। अगर उसने कहा है उस रेलगाड़ी की चाल जो है मैं 30 मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए 30 मान लेता हूं, मेथड से तो डीपी मान के हम लोग कर लेंगे। अगर मैं उस रेलगाड़ी की चाल 30 मान लेता हूं तो 5 घंटे में क्या वो 150 किलोमीटर जाती होगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल जाएगी। यदि वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दे तो 31 हो जाएगी, तो उस दूरी को तय करने में 10 मिनट कम समय लगेगा, तो ये तो बच्चा कटेगा ही नहीं, ये तो कटेगा ही नहीं मेरे साथी। तो अब क्या करें, अब ये करेंगे मेरे दोस्त, ऐसी कोई वैल्यू लेंगे मेरे दोस्त, या तो इसे डी मान के सॉल्व कर लीजिए या फिर इसे ऑप्शन से कर लीजिए। ऑप्शन से हो रहा है थोड़ा सा लेंदी, ठीक है, तो फिर कैसे करें मेरे दोस्त। एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को एक समान चाल से 5 घंटे में तय करती है, डी लंबाई, एल लंबाई, एल दूरी मान ली। यदि वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देती है तो वह उस दूरी को तय करने में 10 मिनट का समय लेगी। मेरे दोस्त ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा गया है, नहीं, रेशो 5 घंटे दे रखा है, 10 मिनट। ओहो, इतनी आसान सी बात लिख रही है बेटा, कंफ्यूज। देखना 5 घंटे यहां दे रखा है, अगर यहां 10 मिनट कम ले रही है तो दिक्कत क्या आ रही है, 10 मिनट कम ले रही है तो यहां 4 घंटे 50 मिनट का समय ले रही होगी, यहां 4 घंटे 50 मिनट का समय ले रही होगी, और 4 घंटे 50 मिनट का मतलब होता है इसे घंटे में बदल लो, यानी कि 6 × 24 और 5 29/6 घंटे लेती है, 29/6 घंटे लेती है मेरे दोस्त। यही तो है भाई, 5 घंटे में तो यहां उस दूरी को तय कर रही थी, दोनों जगह समय दिया तो है, तो हो गया क्वेश्चन। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा, पहले 5 घंटे का समय लेती थी,
और दोबारा में बेटा वो 29/6 घंटे का समय लेती है। तो 6 हटाने के लिए 6 की गुणा यहां करो, 6 की गुणा यहां करो, तो यहां 30 समय लेगी और यहां जो है वो 29 का समय लेगी। तो अगर समय का अनुपात ये है तो मेरे दोस्त चाल का अनुपात जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यहां 29 हो जाएगा और यहां 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, उसने कहा है यदि वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देती है, तो यहां भी तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हुई है, तो मेरे दोस्त इसकी चाल कितनी हो जाएगी, पहली चाल इसकी 29 हो जाएगी, पहली चाल इसकी 29 हो जाएगी और अब की चाल जो है उसकी 30 हो जाएगी। तो वो पूछे वास्तविक चाल कितनी थी, तो जवाब 29 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर आपसे पूछे कि अब की चाल कितनी है, तो जवाब 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन से भी बता दूंगा, ऑप्शन से लेंदी हो रहा था। बचा ये 29 किलोमीटर, मैंने मान ली शुरुआत वाली चाल, तो 5 घंटे में 145 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब वो 145 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 30 की गति से कितना समय लेगी, तो आप कहेंगे 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 45, 5 × 6 = 30, तो आप कहेंगे 6 × 6 = 24 होगा, 5 बचेंगे। बेटा इसे मिनट में बना लो, तो यहां से आ रहा है 4 घंटे 50 मिनट, हो गए ना 10 मिनट कम, तो ये वाला ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी कर लेना, रेशो से भी कर लेना, रेशो से ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 41 जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, दो ट्रेन ए और बी एक ही दिशा में क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चल रही है। ठीक है, ट्रेन ए एक ही स्टेशन से ट्रेन बी से 30 मिनट पहले निकलती है, तो ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए को कितने समय में पार कर जाएगी। बड़ा आसान सा है, ट्रेन ए की चाल कितनी है मेरे दोस्त, पहले चलती कौन सी ट्रेन है, ट्रेन ए एक ही स्टेशन से ट्रेन बी से 30 मिनट पहले निकलती है, तो पहले ए चलती है, तो ए की चाल कितनी है मेरे दोस्त, ए की चाल दी हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर बाद में बी निकलती है कितने की गति से, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अच्छा कितनी देर पहले निकल जाती है, तो आप कहेंगे 30 मिनट पहले, यानी आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले निकल जाती है तो मेरे दोस्त क्या आधे घंटे में वो 40 किलोमीटर आगे पहुंच चुकी होगी, यानी ए यहां पहुंच चुकी होगी जब बी का चलने का समय हुआ होगा। ये बात समझ में आ गई। अब उसने ये कहा है कि मेरे दोस्त ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय में पार कर जाएगी, तो समय पूछना चाह रहा है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी है 40 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी 40 किलोमीटर, जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, 100 - 80 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो क्या आप कह सकते हैं कि 2 घंटे में वो वाली ट्रेन इसे पार कर लेगी, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के सामने है, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक ट्रेन को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 1 घंटा 12 मिनट का समय लगता है, 1 घंटा 12 मिनट का समय लगता है, तो क्या आप यहां से दूरी निकाल सकते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 1 घंटा 12 मिनट है, मिनट को घंटे में बनाओगे तो क्या आप कह सकते हैं 6/5 घंटे हैं, 6/5 घंटे हैं, तो चाल की गुणा अगर आप लोग समय में कर देते हो तो क्या आप कह सकते हैं कि वो दूरी जो रही होगी वो 96 किलोमीटर की दूरी रही होगी, वो दूरी जो रही होगी वो 96 किलोमीटर की दूरी रही होगी। अब क्या कहना चाह रहा है,
यदि ट्रेन की चाल 25% बढ़ा दी जाती है तो 80 का बेटा 25% मतलब 1/4 बढ़ा दी है यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है, तो अब ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी होगी। तो उसने कहा है पूरी दूरी के 25/3 भाग को, पूरी दूरी कितनी है 96 है, इसके 25/3 भाग कितना होगा, तो आप कहेंगे जी इसका 25/3 भाग जो है 25 × 100 = 600 किलोमीटर हो जाएगा। 96 का 25/3 भाग जो है, भाई ये कैसे गड़बड़ हो रही है, 25/3, अच्छा यहां दे रखा है 25%, फॉर्मर डिस्टेंस, यहां 25/3 दे रखा है, यहां दे नहीं रखा है बेटा 25/3, क्या मान के चले, पहले वाली डिस्टेंस को ही कर लो, या तो 800 होगा, पच्चीस बटे तीन, देखो अगर 25/3 भाग को कहता हूं, पहली बात तो 25/3 भाग होगा ही नहीं उसका, उसका 25/3 भाग होगा ही नहीं, या तो इसका 25/3 गुणा कहे वो, नहीं चाल तो मैंने बढ़ा दिया, चाल पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसकी चाल को 25% बढ़ा दिया है, तो अब उसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। लेकिन मेरे दोस्त अब यहां तो देखो, मैं कंफ्यूज नहीं, ये क्वेश्चन में मैं गड़बड़ी आप लोगों को ये बता रहा हूं कि अगर इसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है तो उसने कहा है पूर्व दूरी यानी पहली वाली दूरी जो थी उसका 25/3 भाग, जब इसका 25/3 भाग निकालेंगे तो 25/3 भाग नहीं होगा, 25/3 गुणा होगा। तो जब आपने इससे काटा तो 3 × 9 32 बार कटेगा, 3 से काटा तो मेरे दोस्त 32 बार कटेगा, चलो ये 32 बार काट लो और ज्यादा आएगी, ये तो ये जो है 32 बार काट लो और ज्यादा आएगी, तो 25 × 50 को 0 हासिल 5 क्या 800 किलोमीटर की वो बात कर रहा है, वो कह रहा है 800 किलोमीटर की दूरी को इस चाल से तय करने में कितना समय लेगा, तो 8 घंटे आने में दिक्कत नहीं है बेटा, ये भाग नहीं होगा 25/3 गुणा भाग को, 25/3 गुणा भाग को तय करने में कितना समय लेगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। भाग होता है जब एक टोटल दूरी होती है उसका कुछ भाग हमें तय करना हो, टोटल दूरी 96 थी और भाग आया है 800, कैसे पॉसिबल है, तो इसका मतलब यह है कि 96 के पूर्व दूरी के 25/3 गुणा दूरी को कितने समय में तय करेगा अगर वो इस चाल से चलता है, तो 25/3 गुणा आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े, बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं मेरे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 43 जो है, हाँ क्वेश्चन नंबर 43 जो है, क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो ट्रेन का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी जो है, ध्यान से सुनना, 24 नहीं 33 होगा ना, 24 कौन सा लिख दिया है, 24 एक घंटा 12 मिनट नहीं, पूर्व दूरी इतनी है, इसका 25/3 गुणा, इसका 25/3 गुणा निकाला तो बेटा वो क्या होगा, 800 किलोमीटर होगा, और 800 किलोमीटर को 100 की गति से कितनी देर में तय करेगा। अच्छा ये 1/4 की बात कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहली दूरी 80 थी 25% बढ़ा दी तो वो 125% कर दी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 25 × 100 25 × 125 25 × 100 चार से काटेंगे 20 बार, तो बढ़ी हुई चाल जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा डायरेक्टली भी आ जाएगा, ठीक है। फटाफट इसे बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक रेलगाड़ी 560 किलोमीटर की का दूरी का कुछ भाग, यहां है देखो 560 किलोमीटर टोटल दूरी है, उसका कुछ भाग जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से और शेष भाग जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे 30 मिनट में तय करती है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया है भाई, पहले दोनों जगह एलिगेशन लगा दो, पहला भाग कितने की गति से तय किया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूसरा भाग कितने की गति से तय किया है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और टोटल दूरी कितने की गति से तय की है, देखिए ध्यान से 9 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 19/2,
यही तो होता है। तो उसने कहा है 560 किलोमीटर की दूरी। बेटा टोटल दूरी को टोटल समय से डिवाइड करोगे, टोटल समय से डिवाइड करोगे तो क्या ये पूरी यात्रा की औसत चाल आ जाएगी, आएगी या नहीं? तो आप देखिए 560 दूनी कितने होते हैं, 1120 होते हैं, और बटे में कितना है, 19 दे रखा है, दे रखा है क्या? 19 हटाने के लिए 19 की गुणा यहां करिए, 19 की गुणा यहां करिए, 19 की गुणा यहां कर दीजिए। तो आप कहेंगे ये तो 760 हो जाएगा, 19 चौक 76 होते हैं, यहां 1120 हो जाएगा, यहां निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1900, 19 छक्का 114 को 4 हासिल 11, 19 एकम 19 और 11 30 हो जाएगा। अब 1120 में से 1260 घटाओगे तो 12 में से 6 गए 6, यहां 360 बचेगा, यहां इसमें से इसे घटाओगे 40 में से 20 गया 20 बचेगा, 30 में से 11 गया तो 19 बचेगा, बचेगा या नहीं? तो यहां क्या देखेंगे मेरे दोस्त, अब यहां 0 से 0 कट गई हम लोगों की, 6 3 18 होगा, 6 2 12 होगा, 6 6 36 होगा, 2 से काटेंगे 16 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, कटेगा या नहीं बोलो। अब देखिए मेरे दोस्त, अब क्या कहना चाह रहा है, दूरी ज्ञात कीजिए, किसकी दूरी ज्ञात कीजिए, टोटल दूरी तो दी हुई है, किसकी दूरी पूछना चाह रहा है? बच्चे मैं दोनों की दूरी आप लोगों की निकाल देता हूं, दोनों की दूरी ही हम लोग कर लेंगे, ठीक है, 24 नहीं 32 आएगा, कहां, हाँ। अब देखिए मेरे दोस्त, मुझे टोटल समय कितना लग रहा है, 16 और 3 19 घंटे का समय लग रहा है, और उसने टोटल समय दिया कितना है, 19 बटे 2 घंटे का समय दिया है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो हाफ हो जाएगी, हो जाएगी या नहीं? यानी टाइम इसका हाफ कर दो, इसका हाफ करोगे तो 8 हो जाएगा, और इसका हाफ करोगे तो 1.5 हो जाएगा, हो गए ना 9.5 घंटे बेटा। अब दूरी निकाल दो, अगर 40 की गति से 8 घंटे तक चलती है तो चाल की गुणा समय में करोगे तो इसकी दूरी 320 किलोमीटर आ जाएगी। अगर 160 की गति से 1.5 घंटे चलती है तो दूरी के चाल की गुणा समय में कर दोगे तो आप कहेंगे 240 आ जाएगा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे वाली दूरी निकालिए तो 320 आएगा, अगर आपसे कहा जाता है 160 किलोमीटर प्रति घंटे वाली दूरी निकालिए तो 240 आएगा, ठीक है। तो आप यहां से किसी की भी दूरी मान सकते हैं, हमने दोनों की दूरी निकाल दी है। अगर इस वाली की दूरी पूछता है तो 320 किलोमीटर होगा, और अगर इस वाली की दूरी पूछता है तो मेरे दोस्त 240 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं करा के आया हूं ना, जब दो चाल आप लोगों को दी हो, एक पूरी चाल आप लोगों को दी हो, तो वहां एलिगेशन लगा देते हैं, और अगर चाल पर एलिगेशन लगाओगे तो आप लोगों का मेरे दोस्त किसका रेशो आएगा, समय का रेशो आएगा, और चाल की गुणा अगर समय में कर दोगे तो आपके पास दूरी आ जाएगी, ठीक। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही, हाँ, दोनों को मिला के 560 तो यार दिया ही हुआ है, वो टोटल दूरी थोड़ी ना पूछेगा, 560 तो दिया ही हुआ है। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही, आज जो है हम लोगों का YouTube से भी विदा लेने का समय आ चुका है, कोर्स के मामले में सिंप्लीफिकेशन मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को उसमें करा रखा है, परिणाम बैच में करा रखा है, आप वहां से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, और वहां भी नहीं कराया है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, बोर्डमास का नियम ही लगता है दोस्त, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है उसमें, आप लोग अच्छे से जानते हैं। आवर्त दशमलव जो है वो शायद आप लोगों के लिए हो सकता है, तो एक बार थोड़ा सा हेडिंग डाल लेंगे, एक लास्ट टॉपिक है आवर्त दशमलव, केवल और केवल 5 मिनट का टॉपिक है। आवर्त दशमलव किसे कहते हैं या रिकरिंग डेसिमल किसे कहते हैं, ये टॉपिक एक बार पढ़ लीजिए मेरे दोस्त, फिर इसके बाद जो है वो क्लास को बंद कर देंगे, ठीक है, सुनना थोड़ा सा ध्यान से। आवर्त दशमलव का मतलब होता है, जैसे मैंने आपके सामने कोई संख्या लिखी 0.3428, यहां भी 28, यहां भी 28, यहां भी 28, और ऐसे ही लिखता चला गया, है ना। मैंने आपके सामने यहां एक संख्या लिखी 37 37 37 और ऐसे ही लिखता चला गया। तो आवर्त दशमलव का मतलब होता है ना खत्म होने वाली चीजें, जो डिवाइड ही ना हो और चीजें रिपीट होती रहें,
ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो आप कहेंगे ये 28 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब 28 बार बार रिपीट हो रहा है तो 28 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। यहां देखेंगे आप 37 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो मैंने 37 के ऊपर बार लगा दिया। तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या है तो यही होता है आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव यानी बार वाले क्वेश्चंस को ही आवर्त दशमलव कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है मेरे साथी, अगर मैं इनको सॉल्व करने के बारे में आपसे पूछूं तो बस एक क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, जब भी ऐसे सॉल्व करने का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो आप इस संख्या को एज इट इज लिख देना और जितनी संख्याओं के ऊपर पॉइंट के बाद बार लगा हुआ है उतने 9 नीचे लगा देना, ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस संख्या को सॉल्व करने की बात आप लोगों से कहूं तो आप पहले सबसे पहले पूरी संख्या लिखना और अगर जितने के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को घटा देना। अब नीचे जो हमेशा लिखी जाएंगी चीजें वो पॉइंट के बाद की लिखी जाएंगी। पॉइंट के बाद अगर दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 लगा दीजिए और दो संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 लगा दीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद दोस्त ये आएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि 1.593 और 93 के ऊपर बार है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप कहेंगे बेटा कि 1593 आप पूरी संख्या लिखिए, उसमें से जिनके ऊपर बार नहीं है उनको घटा दीजिए, दो संख्याओं के ऊपर बार है 2 9 लिख दीजिए और पॉइंट के बाद एक संख्या के ऊपर बार नहीं है 1 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है भाई, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बताइए 0.4893 और यहां जो है 93 के ऊपर बार लगा है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट से दोस्त मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। 0.4893 के ऊपर बार है तो आप कहेंगे जी कुछ नहीं, 4893 आप लोग पूरा पूरा लिखिए, उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, अपॉन में 2 के ऊपर बार है 2 9 लिख दीजिए और 2 के ऊपर बार नहीं है 2 0 लिख दीजिए। क्या ऐसे ही सॉल्व करोगे, बता दो एक क्वेश्चन आप लोग भी बता दो मेरे दोस्त। 2.389 और यहां जो दिया है 89 के ऊपर बार दिया है, ठीक है, 2.389 के ऊपर 89 के ऊपर बार दिया है, फटाफट से आप लोग मुझे बता दो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो आप कहेंगे जी पूरी पूरी संख्या लिख लो, 2389 हो गई, उसमें से उसको घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है, 23 को घटा दिया, पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो और पॉइंट के बाद जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगा दो। क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ चुकी है मेरे दोस्त, ये चीज समझ में आ चुकी है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं, अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं कि बार इस बार शुरू में आ गया राइट साइड में बार ना आके लेफ्ट साइड में आ गया तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे मेरे दोस्त। अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड में बार आ जाता है तो उसका साइन बदल के लिख दो, उसका साइन बदल के लिख दो, ये होता है पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले बार का सिस्टम। तो -2 में से 0.59 जाएगा तो माइनस का 1.41 हो जाएगा, माइनस का 1.41 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों जिनका भी एग्जाम है तो बिल्कुल मन लगा के एग्जाम दीजिएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और ये वो समय है जहां हम लोगों की मेहनत हम लोगों को दिखानी है कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की है। सबसे बड़ी बात होती है कि पेशेंस के साथ रहना है मेरे दोस्त, आपा नहीं खोना है,
क्वेश्चंस देख के, मान लो आप लोग रीजनिंग में पहले आए और रीजनिंग में पहले ही तीन चार क्वेश्चन सीरीज के आ गए, दो तीन क्वेश्चन या कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे क्वेश्चन आ गए जो दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं किए, तो उनको देखने के बाद पैनिक नहीं होना है। अगर वो आप लोगों के लिए मुश्किल है तो वो सबके लिए मुश्किल है। तो मेरे दोस्त, पैनिक नहीं होना है, आप लोगों को ये सोचना है कि हर रात के बाद दिन आता है, हर हार के बाद जीत होगी। बहुत शांति से हम लोगों को पढ़ना होगा, बहुत शांति से हम लोगों को जाके एग्जाम देना होगा, और घबराना मेरे साथी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ये मान के चलिए कि अगर आप नहीं कर सकते ना, तो फिर कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्त। और पढ़ाई आपने पिछले तीन चार महीने पांच महीने बहुत बेहतरीन तरीके से की है, तो दोस्त आप ये भी याद रखना कि वही हम लोग होंगे जो सिलेक्शन वाली लिस्ट में होंगे, ठीक है। जब भी आप लोगों का एग्जाम होता है तब एक बार एनालिसिस आप लोगों को जरूर देखना है। जिन लोगों का एग्जाम 14 तारीख को है दोस्त, मैंने पहले भी कहा है, उनके लिए नॉर्मलाइजेशन जो है उन्हें पार ले जाने का काम करेगा, और जिनका एग्जाम 14 के बाद है उन्हें मैं पार ले जाने का काम करूंगा। मैं पर्टिकुलर मैथ की बात कर रहा हूं। अगर मैथ में जरा सा भी थोड़ा भी फेरबदल मुझे दिखाई दिया तो आप लोगों के सामने उसी तरीके का एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट जो है वो मैं लेके आऊंगा। अब सवाल उठता है जी, सॉल्व क्या करें? हम लोग मैथ को सॉल्व करें, रीजनिंग को सॉल्व करें, जीएस को सॉल्व करें, या कंप्यूटर को सॉल्व करें? सॉल्व किसी को भी कर लेना, बस पहले राउंड में सॉल्व करते टाइम ये याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा भी कैलकुलेटिव लग रहा है या कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, तो उसे मार्क फॉर रिव्यू डाल देना कि मैं इस क्वेश्चन को बाद में देखूंगा, टाइम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर टाइम का ज्यादा खेल आप लोगों ने बनाया तो वही टाइम आप लोगों के लिए कम पड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है कि भाई मैं इसे बाद में देखूंगा। मेरे दोस्त, मैं फिर से कहता हूं, मैथ के लिए आधा घंटा बचा के चलना। एक घंटे में आप लोगों को तीनों चीज सॉल्व करनी है, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर, और मैथ के लिए आधा घंटा आपको हर हाल में बचा के चलना होगा। तो पहले राउंड में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो उस पे मार्क फॉर रिव्यू का ज्यादा यूज करना। अगर शुरू के राउंड में आपने 15-20 मिनट में अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो कॉन्फिडेंस उस स्तर पे पहुंच जाएगा कि नए क्वेश्चन पे भी अटेम्प्ट लोगे तो वो क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा। सबसे बड़ी बात है पेपर में कि पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना है कि भाई ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि आप भी जानते हैं कभी भी मेरिट 100 नंबर तो जानी नहीं है। 80 नंबर एक बेहतरीन स्कोर है, 75 से 80 के बीच का एक बेहतरीन स्कोर है। तो उसमें आप लोग 20 क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो मेरे दोस्त आप लोग फिर भी सिलेक्शन ले जाएंगे। तो मेरे साथ ही ये सोच के चलिए कि एक तो एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है, तुक्के का यूज जो है वो बहुत कम करना है, और मैथ में तो खैर और सब्जेक्टों की तो क्या कहूं, लेकिन मैथ में जो है आप लोगों को तुक्के का यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आराम से सेंटर पे पहुंचना है, सबसे बड़ी बात यही हो जाती है, क्योंकि एनआर के सेंटर जो है वो बहुत बहुत दूर दिए हैं, तो आराम से सेंटर पे पहुंचना है। सेंटर पे जाके आराम से चाहे वहां रेस्ट कर लेना, लेकिन टाइम से अपने सेंटर पे पहुंच जाना। सेंटर पे पहुंचने के बाद जो है पेपर आराम से देना, पानी वानी लेके जाना, सब कुछ पेपर आराम से देना। डेढ़ घंटे की बात है, उस डेढ़ घंटे में आप लोगों का दिमाग कैसे चलता है बच्चा, मैटर ये करेगा। और आप लोगों का डेढ़ घंटे में दिमाग जो है वो अच्छा चलेगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने पिछले कुछ समय से हम लोगों के साथ मिलके पढ़ाई की है, या अपने आप भी कहीं और से भी पढ़ाई की है, तो दिमाग चलेगा, 100% चलेगा, क्योंकि हर टीचर ने आप लोगों को जो है बड़ी मेहनत से पढ़ाया है। चाहे वो कोई भी टीचर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का टीचर हो, हर टीचर ने दोस्त आप लोगों के साथ जान झोंकी है, और हर प्लेटफॉर्म का टीचर चाहता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे जो है वो एक नाम करके आए, ठीक है। तो अब बारी आप लोगों की है, हमारा जो काम था वो हमने कर दिया है, अब बारी आप लोगों की है कि आप नाम किस तरीके से करके आएंगे, ठीक है दोस्त। बिंदास रहिएगा, जिनका 14 तारीख को एग्जाम है आराम से आज दिवाली का त्योहार मनाइए मेरे दोस्त, कोई बहुत बड़ा समय आप लोगों का खराब नहीं होने वाला है, आराम से सेलिब्रेट कीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए।
अगर इस दिमाग को थोड़ा सा फ्री छोड़ दिया ना तो ये बहुत तकड़ा आउटपुट आप लोगों को दे रहा होगा, और अगर इस दिमाग को थोड़ा सा आपने फ्री नहीं छोड़ा और इस पे प्रेशर क्रिएट करते हुए चले गए तो दोस्त ये आती हुई चीजों को खराब करने का काम करेगा। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई करिए और बाकी बहुत 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 सारा ऑल द बेस्ट। यही प्रार्थना है कि सबकी मेहनत सफल हो। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, सच में बहुत मेहनत की है, और सबसे ज्यादा परीक्षा तो मेरी है जो मैं पिछले एक डेढ़ साल से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं केवल दिल्ली पुलिस को लेकर। तो मेरे दोस्त मन लगा के पढ़ाई करना। अब जितना भी समय बचा हुआ है, जो 20 तारीख के बाद वाले बच्चे हैं वो रिवीजन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें, जिनका 14 को एग्जाम है वो आज शाम को पूरी तरीके से फ्री हो जाना, आराम से मूवी पूवी देखना या दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। और भूले आप कुछ भी नहीं हो, बहुत सारे बच्चों को ये होगा कि भूल गए हैं हम, भूले आप कुछ भी नहीं हो, सारी चीजें एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से याद आ जाएंगी। ठीक है, आप लोग ये भी जानते हैं बेटा, हताश नहीं होना है किसी भी चीज से, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। नहीं आता है तो किसी को नहीं आता है, अगर पेपर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। पेपर आसान रहा होगा जब 80 मेरिट गई होगी, 79 मेरिट गई होगी, अब पेपर हार्ड है तो मेरिट भी कम जाएगी। हर चीज को अपने फेवर में लेके सोचना है, पॉजिटिव लेके सोचना है आप लोगों को। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं कल नहीं परसों। मेरी बेस्ट विशेस की वीडियो यही है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं कल अवेलेबल नहीं था। बेस्ट विशेस की वीडियो आज शाम को आप लोगों की आएगी, तो सबको ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर देके आना, मिलेंगे 14 तारीख को एक बेहतरीन एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।